दोस्तों, ये कहानी है बॉबी दरोगन की, जिसकी खूबसूरती और बहादुरी का चर्चा इलाके के लगभग 40 गांव तक है, लेकिन उसे देखने का सौभाग्य तो भैया बस चंद लोगों को प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ ये कहानी है हमारे हीरो भोला की। अब भोला अपने नाम के मुताबिक एकदम भोला और शरीफ आदमी है, तो भैया अगर सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या देखेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको भोला की सराफत की तरफ। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए भोला की सराफत और बॉबी दरोगन का जलवा। चचा पैसा बहुत कमाया, दिया नहीं किसी ने भी। अरे बेटा मूछ, तेरे चचा ने भी बहुत कमाई पहचान में। 40 गांव जाने तेरे चचा को। ओए धान में पानी डाल दे। बैठ में ना। हाँ धान में तल नालायक तही था बावला लपेक बना ताले। तू तह चुच सुने चुच। आओ आओ तोदरी ताप तेता आना हुआ। भोला की शराब का बहुत रुका सुना हमने दी। सोचा चकले चल दो चार बोतल रखवा गाड़ी में। अले माफ तलियो तोदरी ताप, तराब तो बत दाव वालो तलिये है। ज्यादा बकवास मत करे। अले बोले भैया ने थाप मने तरह थी तो ही तुतरी ता तत ही आके कहे ना। बिल्कुल भी दारू नहीं देनी। अदो दादा दादा तुम मुँह करे ना तो अले तुम्हें धंधा दे दिए। अरे तू जानता ना मैं जिस गांव में था तेरे भोला का ब्याह हो रहा, उस गांव का सरपंच हूँ मैं। अले तो त्या हो गया, दारू तो मैं फिर भी ना दू। अले अले तोल दो थालो, थालो देख लो पहले। भोला भाई आओ तारी पिछवा दे, मैं धंधा दे देगा, थमत के नहीं तम तो बो। भोला भैया देख में लपेट लिया और थाले वहीं बैठा, मुझे छुटा ले। ओ ए बाबा आई आई जी आई मुंह पे मार इसको। आई ली मैया आई आई चलो बोलता नहीं ढंग से नहीं बताता कि बात चल रहा। देख लो फिर भोला भैया आवाज ना थाला ना थालो आई उठाओ इसे चलो। भाई यो अब आया ताले तमीने। कितने तक दान में उधर जाता। थारी ले दे। ओए तू ता कर रहा था। हाँ भैया तू फोन करूं। हाँ हेलो 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 भैया। हाँ क्या बात होगी। अले ओ सरपंच आया था अल थारी दारू ले दिया मेले माल दिया एक दो के। अले बहुत ही माला बहुत माला बहुत उसकी इतनी मत। अले दाऊती शायद ही दया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ मैंने थमाल थी बात। हाँ ठीक है तल ताले तल। छिताई तर दे। आई क्या बात है भोले, आज सुक्के का रास्ता रोक के खड़ा तेरी इतनी हिम्मत। सुक्के तने बहुत बड़ी गलती कर दी बदमाशी दिखा के, और वो भी भोले के ठिए पे। हट जा बच्चे नहीं तो खर्च हो जाएगा। तेरे से रोजा मैं खर्च करने वाले, उनका हिसाब ही करूँ मैं डेली। अरे संभल जा बच्चे अभी टाइम है।
के बाद दिखाई दिया ना तो फाड़ दूंगा। राम राम जी। राम राम। ओ राम सिंह, एक क्वार्टर दिए। अरे तितल थोल तो दे ले यार, थाम नहीं तो पला। अरे दे दे इते। ए भाई, तेरा मारने गए उनके। अरे मैं त्या चलता यार, वो तीन तार थे, तारे मारन ला दे। ए तोता तो तारे ता तबूतर बना देता मैं। माला तो दन भी ताला पल दिया। हैं? अरे आता रंद आता, पता ना की करू जा। धान में पानी देर दे, धान में पानी देर दे। ताले तुबेर भी, ताले ताले तुबेर भी ले दे। हाँ इतना देर देता, इतना देर दे धान में देर दे। ताले इतना इतना ही धुसा जा तू। आज बढ़िया थी दारू ताड़नी। रोगन मैं तेरा प्रेमी हूँ, फोन तो मैं कर रहा हूँ, तेरे कौन से पीछे लग रहे हैं, बात कर लिया कर। अरे बे काम कर, दावड़ी की फोन डाले मेरा। बोले की शराब और वो भी दरोगन का स्वभाव, दोनों ही सिर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं दरोगन के ख्वाब देख के बड़ा हुआ हूँ। एक पैर तो तेरा कब्र में, एक पाताल में, अब गधे भी घोड़े की चाल चलेंगे के। ए इसने बंद कर, धुमारिया दारू ना पिंदरे ढंग से। हमें गधे बता रहे हो गधे? अरे ठीक तो कह रहा हूँ, अब इस गांव में कांड होंगे कांड। अरे तुम थारे लड़े जाओ, अभी भोला भाई आ गया ना, तब दे फेरे फेर दे दो मिनट में। और ताऊ तू तो समझदार है, अरे तू ही समझा दे ना। अरे समझदार हूँ जी, भी इधर चुप बैठा। दरोगन को कोई मेरे आगे कुछ कह दे, मैं मशहूरी तक खा जाऊँ। भागो जमीन तक, दरोगन मेरी है। अरे थाले इस गाँव में सारे बेतारे साले लौंडिया बाज सारे। हेलो मैं आऊं, फोन कर। रोगन मैं तेरा प्रेमी हूँ, फोन तो मैं कर रहा हूँ। अरे कहाँ छोटू, बात कर लिया ले, रोटी खा लियो, पता ना कहाँ धक्के खाता फिर आई हूँ। फोन कर दिया, मैं देखूंगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर तू, हम मिलेंगे तेरे से, मैसेज कर तू। छोटू छोटू एक बोतल ले अपने ताऊ की खातर। अरे ताऊ बहुत पी ली तन्ना आज, वो भी नहीं थोली। अरे अड़के में ना ले अपने ताऊ को, तू टैंकर है, हम टैंकर है, चल चल जा। हेलो। अरे ताऊ ले पतड़, तू भी आ जा लिया। अरे इसे पतड़ अधर पानी दादा उदाना टेंटर में, तो टेंटर हमने पत्ते भी देते। दिमाग की नस मत फाड़ तू, अपना काम कर, नहीं तो बोबी दरोगन को बुला के तुझे अंदर करवा दूंगा। हाँ हम ही बाबरे हैं, हम ही पादल हैं इस गांव में पूरे में हैं, सारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सारे समझदार हो। बोबी आई लव यू टू। ले पलट दिया ना, पलट दिया टेंटर, पलट दिया। होल पी ले, एक बैग होल ले लू। पुलिस भागो, अरे भादो पुलिस आ दी, बताओ और थमान ताले ताले और ताला थमान ताले थमान, पुलिस आली पुलिस जल्दी भाग ले, पला फेंक देता है। अरे थोड़ी सी दारू दे जा, यहाँ ते समझ। अरे कहाँ जा, दे जा ले, हटा दे पिप्पे, पला फेंक दिए, मैं भी आ लाऊ तमद बात को। अरे उद्दाव थालो जल्दी उद्दाव, पुलिस आ रही है। बोबी दरोगन हमारी है, बोबी दरोगन हमारी है। पीते पीते भगवान, ये तो मैं दबा बजा दिता है मुझे। हल बत बत गया।
एक बैग दे। अल तू फिलहाल या यार, अल तने तत्ती याद दर्दी, अल माफ कर दे मेरे भाई, तलादा इंत है। गिलास पला पेंट। ये पहले ना, ये लंदड़े ते आम तुरु आइए, यही तू अंधे पहले, हैं? आओ दरो दादी आओ। क्या हुआ दी? आम तुड़वा दूं? दशहरी ते? लंदड़े ते भी ठीठ हो रहे, इतने इतने मोटे, हाँ? चलो रे सर्च मारो। तरवा दूं पैंत? लंदड़ा बहुत बहुत ही बढ़िया हो रहा। अरे बहुत बहुत दूर दबा है। चुप, वरना लंगड़ा कर दूंगा मार मार कर। और लंगड़ा है ना, चल नहीं पाता अपने पैरों से। मुझे पता चला धंधा चल रहा है आवाज शराब का यहाँ। दिलो दादी, हम तो आम बेचते हैं। अरे किसी ने ना तुमसे तुदली तर दी होई दी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे दिलो दादी, पेलती थाओ है ना, तो यहाँ तांत वात ठेल लें, अल अम्बी उम्बी टूट लें। और यो कौन है, यो कैसे पट पड़ा है यहाँ? अले यो बुद्धा आदमी है, अति पड़ा है। बुद्धा नहीं, जवान हूँ मैं। अले थोड़ा ताऊ। बॉबी आई लव यू। बॉबी आई लव यू। साले चल थाने। अरे दरोगा जी, अम्बी उम्बी तो बैठते हैं। कैसे शोर मचा रखा दरोगा जी, सोन भी ना दे रहे। अरे भैया देते हो, थाने ले जा रहे हैं हमें। अच्छा तो यो है ठिकाने का मालिक। बड़ी पार्किंग नजर है दरोगा जी। खैर मेरी पर्सनालिटी है ही मालिकों वाली। वैसे आम के बाग में आके बंदा लेके जा रहे हो, बंदे का के अचार गिरोगे? अचार तो मैं तेरा भी गिरूंगा, चल थाने। के मान रहे हो दरोगा जी, बुआ के घर आ रहे हो? हम थारी बुआ के बाड़क है, तुम कहोगे चलो ना निगर, और हम चल देंगे। इतने भी सुध देना, हम पहले हमारा जुर्म बताओ, फिर हमें चाहे फांसी भी दे दियो। फांसी तो जरूर दूंगा तुझे, पर पहले अपना जुर्म सुन ले। तन्ना अवैध शराब का धंधा खोल रखा है। सबूत क्या है? सबूत? वो आदमी शराब पियो पड़ा है, वहां देखा है वो। दुर्गा जी एक बात बताओ, अगर कोई आदमी बाहर से पी के थाने में चला जावे तो इसका मतलब वो ठेका थोड़ी है। ज्यादा होशियार ना बना, वरना लंबा अंदर जागा। ये जो चारों तरफ से शराब की बदबू आ रही है ना, उसका क्या है? बदबू तो यहाँ टट्टी की भी आ रही है दरोगा जी। अब के मानने, तुमने अगर रखा या हमने? ए भाई छोटू, तने तो हक दिया। अल ना भैया, मेला तो पाद पाद निकला बस। आई ज्यादा होशियार बन रहा दिखा। अजी दरोगा जी, यहाँ ना मिला कुछ भी, बस एक डाल की अम्बी मिली थी, अरवा हमने खा ली। बेटे आज तो बच गया, पर फंसागा जरूर किसी दिन, हमें इंतजार रहेगा। चलो। अले दलो दादी, अले आम तो ले दाओ, मुंबईया मुंबईया। अले दिमाग बहुत ठंडा रहता है वो। अरे चल आ तू, बुलाओ ने। बुला लू ते। अले नितलिया भाई नितलिया। अरे दही पुली दादा आदा। कहाँ यू? अले मलता उले तू दही पुलित। एक काम करिए, अब काम दोबारा चालू कर लो, ध्यान ते और फिर भी आ सके, मैं घर लो जाऊं एक बार। ठीक है भाई, ठीक है जोड़ो काम को, चल रहे। अले थमान लिया थमान, टल। अरे क्या हो गया सर जी? दरोगा जी कुछ तो बताओ, एक घंटे तो यहाँ बैठे, कुछ बताओ तो सही। साढ़े तीन साल हो गए इस गांव के चक्कर काटते हुए, साढ़े सबूत तक नहीं छोड़ते। इनके चक्कर में मेरा प्रमोशन रुका पड़ा है। और थारे चक्कर में मारा है। साला, मुजफ्फरनगर में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर क्राइम इसी तरह से बढ़ता रहा तो हालात खराब हो जाएंगे। क्या जवाब देंगे ऊपर हम? अरे बिजेंद्र, ये अवैध शराब वाली जरा फाइल लेकर आना। जय हिंद सर। बताओ ये साला छतरपाल कर क्या रहा है? एक छोटा सा केस इस पर नहीं संभल रहा, ये काम कैसे करेगा? फोन मिलाता हूं। अ
अरे यार इस चिरांद का फोन फिर आ गया, पता नहीं कद पीछा छूटा था। हेलो सर, जाइन सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर, हमने तो आपको हालचाल पूछने के लिए फोन किया है ना। कैसे हैं सर बता रहे हैं। अरे तुमने कोई पकड़ा है इस केस में, कोई हाथ में आया है तुम्हारे? 3 साल हो गए हैं तुम्हें, कोई है नजर में, कोई पकड़ा है तुमने? सर मिले तो बहुत पर किसी को पकड़ नहीं पाया, कोई सबूत नहीं था। तुम क्या पकड़ोगे किसी को, सबूत तो तुम्हें मिलने वाला ही नहीं है। अरे घर में बैठकर आराम की खानी थी तो डाकिये की नौकरी कर लेते। किसने कहा तुम्हें पुलिस में आने के लिए? और चाहिएगा तुम्हें प्रमोशन, केस तुमसे खुलता नहीं है। जल्दी पकड़ लूंगा सर। हाँ पकड़ोगे तो तुम बिल्कुल, सस्पेंशन लेटर तुम्हारा तैयार ही हो रहा है, समझ गए? सर हेलो 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 सर हेलो। चलो बाइक निकाल लो, दांत फाड़ने में लग रहे हैं यहाँ, काम धाम कुछ है नहीं। अरे विजेंद्र, इस केस के लिए मुझे कोई और ही देखना पड़ेगा, बॉबी से बात करनी पड़ेगी, बॉबी को सौंपना पड़ेगा ये केस। अब बॉबी को फोन मिलाता हूं। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। कहिए सर। अरे बॉबी मैंने तुम्हारे लिए एक फाइल भेजी है, एक गांव की अवैध शराब का केस है। ठीक है सर। अब ये केस तुम्हें हैंडल करना है, जरा देखो इस केस को। ओके जय हिंद। अरे के नाटक दिखा रहा था, मैं खूब जानू तो इस कसरत को, ऊपर उखड़ा हो। कैसे हलक में बात देने को तैयार हो रही है? मैंने क्या बताऊं यार, तनक तनक चून खत्म हो गया, और काम धंधा तो कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा। और घरवाली होगी सिर पर सवार, और मुझे काट दिया घर से बाहर। ले काम करिए, चून ले आइए, और घर में राड ना करे करते हैं, ठीक है ना? चल ठीक है। बताओ भाई, सारा काम तो इसे भला आदमी बतावे, फिर भी पता नहीं इसके जॉब क्यों नहीं मिलते। अरे बावड़ो भगवान इसे खुश देखना चाह रहा, माने मिल गए हम, देख लो मेरी सुसरी रोज पीट के घर से बाहर काट दे, माने जॉब वॉब कुछ नहीं मिले, हम तो ये रोग मिल गया। भगवान तुम पैक कुछ छाड़ा बना रहे हो? हाँ? क्या है कि तगड़ा पैक मेरे पे झेलता नहीं है। अरे जाले तुम ब्यावरे आदमी हो गए भी कमजोरी मान रहे हो, हमें देख हम रंडवे हो गए भी टेढ़े पड़े। अजी कहां के रंडवे, तुम आज क्या आज ब्याह कर दे थारा में? अरे यार ब्याह करने को तो मेरा भी जी सा करे, अब मेरी उम्र ना रही, अब तो यू मन करे बस लोंडे का ब्याह हो जावे और मैं गंगा जी नहा लूं। अजी कैसी बात करो, क्यों मैं आज ब्याह करवा दूं, थारे से पहले भी गई थी, पर इसमें के है के थोड़ा खर्चा हो सके। चौधरी साहब खर्चे की चिंता मत कर, कोने कोने में पैसे तो मैं पड़ा, जितना कहेगा उतना खर्च कर दूंगा। बा फिर तो ठीक, मेरी खुद की साड़ी है छोटी, बस देखने में एकदम श्री देवी, पर ऐसा मान लो के श्री देवी जल के थोड़ी सी भुनी। जल गई हो? हाँ, बाकी ठीक है। तो एक काम कर, हाँ? उस जली हुई से बात कर। बात कर ली और तारीख पक्की कर दे। अजी वो तो मेरे हाथ में, तुम हाँ कर दो बस। हाँ आई है, ले चीयर्स कर। चीयर्स। तू गाय का पहलवान है, 4 पैक तुझे झीले नहीं। भाई मैं कुश्ती का पहलवान हूँ, दारू का थोड़ा ही ना हूँ, कुश्ती में लड़ा ले तू ठा के पटकू। अभी थारा भी रोज का प्रोग्राम चलता ही रहे। आजा भाई आजा आजा गले मिल ले आजा। बैठ जा। अरे भाई हम रिश्तेदार हो गए, अब तू गले तो मिल ले, रिश्तेदार है हम। के बकरा तू, जब तेरे पर ना झिलती काहे की ना पिए करे। सही कह रहा है, पीने के बाद थारी राम कथा मेरी समझ में तो आती ना। अच्छा भाई सुन, तुझे तो पता है मेरा तो हो रहा ब्याह और तू है कुंवारा। अरे मुझे पता कैसा ब्याह डा हुआ तेरा, बिहार से लुगाई खरीद के लिया, लुगा हो गया ब्याह। ए भाई चाहे मैं खरीद के लाया चाहे कैसी भी लाया, है तो लुगाई, पूरा कर्मों का लौंडा,
उसको लौंडिया के भेस में लौंडा धोती पर आके भेज दिया और उल्टा काम होगा ले ले धार। तो तू क्या चाहे मेरे ते? उसे घर जाके धोती बांध के मैं जाके बैठ जाऊं? मैं नहीं चाह रहा, मैं तो नुकरा मेरी साड़ी ते ब्याह कर ले। देख बात सुन, हमारी इसकी साली है 40,000 में बात पक्की कर दी, यू समझ ले कल को ही आएगी। अरे हम साड्डू हो गए गले मिल ले, तू अपने घर चल। हैं? चल 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 अपने घर। अरे एक मिनट रुक जा, चप्पल तो पहन लूं। आया चल के साड्डू। अरे चल तू अपने घर चल, चल ना तू फिर पीन मंड गया। तू अपने घर चल भाई, चल यूं नहीं आ रहा, इन्ने नहीं आ रहा, खोपरा खा रहा खा भाई। तो जा तू अपने घर जा, चल चल तू निकट भलाई का जमाना नहीं रहा। यूं नहीं आ रहा टिंडा सा, यहाँ रोज आ ले हैं। तू जाने है ना मुझे? हाँ हाँ जा, चल 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 जा रहे हैं हम तो। खून पी लिया बिल्कुल ही, कोई बात भी वही करे यार। अरे सुन तो ले साड्डू। अरे जा तू अपने घर, मारी स्कीम तो सुन। पता ना रोज नई नई स्कीम लेके यहाँ आवे, और तो भी ये मारे जाने जानवर है। आज 50,000 की बिक्री है, आज 20 की, कभी 30 की, कभी काहे की, पता ना के समझे। हाँ बापू तू के चाह रहा है? अरे जब होगा संजोग हो जाओगा भैया। संजोग जरा गाँव मुझे रंडवा रंडवा के बैठा, अब मुझे रंडवे का बप करके चिड़ावा। अरे मैं तो यू जाऊ मेरे लाल, तेरा ब्याह हो जावे। तू 40,000 रुपए की चिंता मत कर, 2,50,000 रुपए के गन्ने बिके लगा देंगे 40,000 रुपए। मारे तो कर्म ही ऐसे हैं। खड़े हो चलो भीतर लौटियो, चलो खड़े हो लो। बबलू, अरे कहाँ मर गया तू? मेरा छोरा आने वाला हो रहा, ना तो यहाँ झाड़ू लगाई है, ना कोई तैयारी, तन्नक से भी साफ सफाई ना। भाई मैं भी इनसे दुखी होली। एक यू शराबी अब तक पड़ा सो रहा। उठ जा सरापी, उठ जा, शर्म तो ना रही तेरा, मेरा छोरा आने वाले हो रहा। भाई खड़ा हो ले, इस औरत ने भी जीना आराम कर रखा। मैं नू कह रही हूँ मेरा छोरा आने वाला हो रहा, यहाँ झाड़ू वाड़ू कुछ ना लगे, इस काम को भी मैं ही करूँ क्या? अरे भाभी तेने कैसे यू घर सर पे टा रखा है, चैन से कम सो तो लेन देती। हो बाबूजी की तेरी नींद टूट गई, रात भर दारू टकोस है, दिन के 10 बजे तक पड़ा सुलड़ावे, तेरा इन्हीं लक्षणों के मार तो छोरे का ब्याह ना हो रहा, और नहीं मैं उसके बीच ब्याह करवा देती अब तक। लक्षण तो मैं सुधार लूंगा, 19 ब्याह उसके करवा दे और एक ब्याह मेरा करवा। हाँ छोरे तो बुढ़ा हो लग रहा, उसका तो ब्याह हो ना रहा, तेरा करवा दूं ब्याह, तेरा बैठा दूं बन्नो लाके। भाभी तुझसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती, तू जायदाद हड़पनी चाहवा हमारी जायदाद। ओ बहुत जायदाद है बेचारे पे देखे का, दो बुरसाट और दो कच्छे के सिवा है के तेरे पे? तू बड़ी नजर रखा है मेरे कच्छों पे, कच्छे देखे है? चल ज्यादा ना बोल ले। अरे मेरा बेटा आ गया, ओए जल्दी जा गेट खोल का। बेटा आ गया। मम्मी नमस्ते। जी तारा बना रहा, भगवान तुझे आ गया मेरा शेर। नमस्ते चाचा। तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो रहा, इसके धोरे मत बैठिए दिमाग चाट जाएगी। आजा मैं तुझे बढ़िया वाली चाय पिलाता हूँ। चाचा रहने दो, चाय मम्मी बना देगी। चाय इतना कड़वा काढ़ा पिलाया इन्हें मुझे सुबह सुबह, तू इससे तो दूर ही रह। आजा मैं तुझे चाय पिलाता हूँ कंच के गिलास में। मुझे पता कैसी चाय पियावे, तेरी तो चाय भी क्वार्टर में से निकल के पी जा, देखूं मैं भी कुछ काम। अरे छोटू। दी भैया। ओ छोटू आया यहाँ। हाँ भैया एक तो ये मौसम भी खराब हो रहा है। हाँ ठीक है,
और ऊपर से वो दरोगा, उसने जान खा रखी है। तो तैयार रहे, तू एक काम कर, भट्टी का सारा सामान वो गांव वाला जो पुराना घर है उसमें सेट कर ले, बढ़िया रहेगा। ठीक। और ना तो ये गांव वाले बिना पी मर जाएंगे। हाँ ठीक कह रहे हो भैया, वही था ही है। हाँ तो दरोदा रोज थप्पे मार रहा। हाँ वही रख लो। बठीत है, ठीक है जा। अरे तैयार कर ले। अरे छोटू मजा बांध दिया बेटे, बहुत दूर जाना पड़ा था, आज बहुत याद आ रही बोबी द्रोगन की। लिया एक राम प्यारी पकड़ा दे। और नमक भी लिए गैल पकड़ा दे। अरे के बात है, सुबह सुबह चाल लोगे, ठीक ठाक भी हो? अरे लल्ला कुछ ठीक ना है, कार्जा था अशी एक बोतल मंगवा दे। अरे खले वो नाश्ता पानी तो कर आते। अरे नाश्ता ही तो कर ना आए हैं, बिस्कुट भी साथ में लेके आए हैं, भे भे के खाएंगे। छोटू चल दे देना एक बोतल, और जब वो फलाने तो बाजार तक आ गए वे। हाँ दिया आ दे। चल ठीक है, बोतल दे दे इन्हें। अरे गिलास भी दे दे, आज लाए ना अपने घर से। बोल था वो बोले कि दा दारू अलग ही है। अरे छोटू तू भी खा ले कर कुछ, या दारू बनाने में लगा रहे है? ले अरे तू ही पी ले, थुबेले थुबेले। पता नहीं यार सिर में दर्द है बहुत। अरे भगवान एक कप चाय लकड़क से बना के मेरे लियो। तो हार बाप ने यहाँ होटल खोला है का, जो तो को चाय बना के देते रहेंगे। अरे मेरे टिपलर तू क्यों नाराज हो रही है, मैं तो न्यू सोच रहा था कि तेरे लिए भी एक कप चाय बना दूं, तू भी चाय पिएगी के? ना हम ना पिए चाय, हमारे लिए पराठे बना देना, पराठे खा के हम भी व्रत रख लेंगे। ए? नाश्ता करके व्रत? तू तो मुझे भी खा के व्रत बताओगी। व्रत भुंडे से मुंह की, जो मेरी ताल लगी ना किसी दिन तो तुझे पटक पटक के मारूंगा, दीवार में घसीट दूंगा। कछु भोके का? अरे ना मैं तो नू कर रहा, तू बैठ, मैं पराठे बना के ले रहा हूँ, तेरी बहन को मारूंगा किसी दिन। बड़े भाई खत्म होगी, दूसरी बोतल मैं लदरी, नहीं लदरी। 12 बज गए, पहले लंच करिया। मैं लंच यही करेंगे, बढ़िया वाली मंगवा। अरे छोटू, अरे यार दे जाए एक और छोटा सा। टेडिंग 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 टेडिंग। अरे ओए सामान समेट ले जल्दी से, कुछ भी सामान नहीं रहना चाहिए। अरे जल्दी सामान ओए तुम भी चलो हते, करोगा आकर तेरा पिछवाड़ा लाल कर देगा। ये मुझे मान रहे पागल, इन्होंने भट्टी बदल दी, पर इन्हें ये नहीं पता छत्रपाल क्या सामान है, वो जलते भूसे मोना पिघलती सुई ढूंढ लेता है। आपको हल्के में ले लीजिए। आओ सही बात है दरोगा जी, कुछ हल्के में ले रहे हैं आपको। कैसा आना हुआ दरोगा जी? चुप। अरे क्या चल रहा है भाई यहाँ? यहाँ दरोगा जी हमन चल रहे हैं, हमन यहाँ चुड़ैल आवे, चुड़ैल सफेद भी आवे, काली भी आवे, पीली भी आवे, और तुम में से भी कोई जगह ब्याह ना हो रहे हो तो तुम भी बैठो। पागल मान रहे हो छत्रपाल को? कह नहीं सकते जी, सच्ची नहीं बोल सकते। चुप। शराब बताओ कहाँ है? शराब अभी पियोगे जी? लाओ शराब, ला रहे अभी ला। बेटा आज तो तू गया। लो साहब। शाबाश, और बताओ और कहाँ है? साहब माफ करना, मेरा मजाना इतना कमजोर नहीं है, हर सेकंड मूतता रहूंगा। साले पुलिस को गोली दे रहा। साहब आप गाड़ी दे सकते हो, हम गोली भी नहीं दे सकते। एक मिनट दरोगा जी, तब मुंह उठाकर सीधे यहाँ चले आओ, यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं चल रहा, क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्रिमिनल है, उन्हें जाकर पकड़ो, सीधा मुंह उठावे यहाँ जावे, गरीब आदमी परेशान कर रखा तुमने। तेरी गर्मी तो मैं थाने में जाकर काटूंगा, चल।
एक मिनट दरोगा जी, किस जुर्म में इसे यहाँ से लेके जा रहे हो? क्यों, इनका वकील है तू? हाँ, मैं इसका वकील हूँ, एडवोकेट मोहित चौधरी। तो मेरी बात सुन ले, अवैध शराब का धंधा करते हैं ये। कोई सबूत है? सबूत तो कोई नहीं मेरे पास, पर मुझे यकीन है पूरा। तुम्हारे यकीन से कुछ नहीं होने वाला, कानून सबूत मांगता है। अब की बार तो आपने बचा लिए, पर मैंने छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। आओ भाई। अरे मोहित, आ गया भाई तू? और ठीक? हाँ बढ़िया। कद आया तू? बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ। सही टाइम पे तो आना ही था, तू कोई पुलिस थोड़ी है जो फिल्म खत्म होने के बाद आओगी। भाई तुम्हारा सांग तो लंबा जुड़ेगा, मैं जरा खेतों पे टहलता हूँ। सारे मूड की एस्तेसी कर दी, घंटा भर हो गया सांग देखते हुए, बूंद न मिली एक भी शराब की। चलो भाई आज तो शास्त्री की देखेंगे। अरे जोड़ अपना काम, चलो। ठीक है। अरे भोला, इस काम को तू बंद क्यों ना कर देता है? तुझे सारी बात का पता है, इस मामले अपनी टांग मत अड़ाए कर, समझ गया ना? यार नाराज क्यों हो रहा तू? चल सांझ को घर मिलते हैं। ठीक है, मैं भी अपना काम निपटा लूं, शाम को घर ही मिलते हैं। ठीक है, धरो भाई धरो। पता नहीं आज कहां रह गई सजनवा। ओ मेरे सपनों की कुतिया कद आएगी तू, मेरे सपनों की कुतिया कद आएगी तू, ओए बुक्के से मुकी काडू, मेरे सपनों की कुतिया कद आएगी तू। काहे घर में घुसे आ रहे हो? गूंगा कोई जा जहां से आए हो? अरे तू हमेशा गर्म ही रहवे, तेरी माँ ने तुझे हीटर खाके पैदा करा के। ज्यादा बकवास ना करो, ना तो पैर पकड़ के कपड़ों की तरह धो मारूंगी। साली जो मेरी ताल बैठगी ना, तो मैं तुझे इस कपड़े के झाल निचोड़ के फेंक दूंगा। क्या बोले? ना मैं तो नुगरल डार्लिंग, ला मैं दो देता मका तेरे कपड़े। और हाँ, तने रोटी खा ली के? मैं तो नहीं पूछ रहा। काहे बना के गए थे का? अब मैं अब बना दूंगा। साली भुंडे से मुंह की, तेरे लिए रोटी बना दूं मैं, मन ने तो खाई ना कल से, अब तुझे खवा दूं। पैर दूंगा। ये सब छोड़ो, वो बताइयो सोरवा काहे था? अरे कुछ ना, वो भोड़ा को पुलिस पकड़ने आई थी। जब गलत काम करोगे तो फंसोगे ही ना, एक दिन तू भी फंसेगा। बहुत ही यारी दिखाओ तो ना। तू नहीं समझे मेरे यार को, और ना समझे तुम्हारी यारी। और एक काम कर। क्या? साली तेरे कपड़े मैं धो दूंगा और तुझे भी मैं धो दूंगा। दूर निकल, आराम कर, चल चल निकल। हाँ हाँ जा रहे, धो लो मुंह की। तुझे साली धो दूंगा, तू नीचे करके चले आ। तू तेरी माँ से पहला कर, जो एक भी कपड़ा फट गया ना तो तोहे फाड़ के सुखाए दे हम। काम धंधा कुछ है नहीं, खाली फिरते हैं। साली मारी तो इस घर में कोई इज्जत ही ना है, लोग बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, छोरे का रिश्ता तय कर दिया और मारे से पूछ भी ना। कैसे बड़बड़ा रहा है, ले चाय। मिला ला इसमें जहर? अभी तो जहर मिला है ना, पर तेरे लक्षण देख के जो है ना, एक दिन जरूर जहर मिला दूंगी। अरे भाभी तू तो चाहे यू है कि मैं मर जाऊं। अब किसने पहल दिया तू? है किसी साले में हिम्मत जो मेरा हाथ लगा दे, मेरे सामने भी बोल जा। अबे कौन भोक रहा पड़ोस में, यो चुप हो जा, नहीं तो अलग में बांस दे दूंगा तेरे। भाभी तैने छोरे का ब्याह पक्का कर दिया? फिर मारे से पूछी तक ना। भोला मोहित से बड़ा है, यू तो तुझे पता है ना। जब छोटे का ब्याह पहला हो जाएगा तो बड़ा तो कुवारा ही रह जाएगा। देखे कहा सुबेरे से शाम तक कितनी लाइन लगी रहा है तेरे घर रिश्ते वाले इनकी। जैसे तेरे लक्षण है ना, तेरे भोले का तो होने का ना, तू मेरे मोहित का भी ना होने दे। सुधर जा, मान जा। तू तो चाहे यू है कि मेरे घर में खुशी ना आवे। मुझे तू कुछ भी कह ले, पर मेरी ममता पे उंगली मत उठा दिए। अपने बेटे की तरह प्यार करूं तेरे से भी, आगे समझ में? हर वक्त भंगू जा रहा है समूत को पी के। भाभी तू भाभी रे, शरीक मत बने। सारे दिन तो नशे में बैठा रहे। तुम दोनों क्यों आपस में पूरे दिन लड़े जाओ हो? मोहित तू तेने भी अपना रिश्ता पक्का कर लिया और मारे से पूछी भी नहीं। अब थोड़ी बहुत इज्जत है इस चाचा की या ना? चाचा मैं तेरे ते कह के गया था घर ही मिलिए सुबह को, पर तू तो सुबह सुबह निकल जाना पीने की निया। और वे रिश्ता पक्का कर गए हैं, ब्याह ना होया मेरा अभी, थार ते बिना बुझे मैं ब्याह कर लूंगा के। अगर कर लेगा तो तेरी टांग ना तोड़ दूंगा।
टांग की जगह हाथ भी तोड़ दियो, फिर धोओगे तमी। भाई हमें तो इस आदमी की भी मूंड की पता न चलती। अरे भाभी कहाँ जा रही है, यू चाय तो दे जा। ठंडी हो रही, चाय पानी बना पड़ा, गरम करके लाऊं, फिर करेगा टर टर। मैं कुत्ता हूँ जो टर टर करूंगा? मेंढक बता रही हूँ, कुत्ता तो तू जब बने जब मूंद को पी ले, जब होके आंधा धुंध। अरे तू जाई से गरम कर ला। मोहित तेरी माँ की हैं? गजब जवान चल रही है, देख ले तू खुद। चाचा ठंडा हो जा, पूरे दिन तेरा दिमाग खराब हो यार। मैं हो जाऊँ ठंडा अपनी माँ से कुछ न कहने का? अरे आधी शराब तो तेरी माँ के चक्कर में पीऊं, 24 घंटे भैं भैं भैंस की तरह रम जाती रहे मेरी खोपड़ी पे। कभी कहवे कुत्ता टर टर करे, कभी कहवे कुत्ता भौं भौं करे। मैं तो पागल कर दिया। तू भी पागल करता हो तो मुझे आधा पौवा दे दे, मैं सो जाता हूँ, पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ। जीना हराम कर दिया तुमने मेरा। गाँव वालो कान खोल कर सुन लो, बोबी दरोगन मेरी है मेरी। सालो दरोगन मेरी है मेरी, उसे तुम अपनी भाभी मान लो भाभी, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे जुगाड़ ने फाड़ दूंगा मैं। ओए पचरू काट, तुम्हारा दरोगन मेरी है, कौन सा है वो? ओए दरोगन मेरी है, आई लव यू दरोगन। क्या करूं बुड्ढे का, थरी दत्ती है वह, एक कक्कू काट दिमा कोई से ना उसकी ढबकू लखाया। समझ गया, शुक्र कर रहा खोपड़ी पर। क्यों लड़ रहे तुम, चलो अपने अपने घर चलो। चलो भाई, ओ प्रधान, चलो चलो, बात सुन बात सुन, चलो वहीं लड़ियो, साइड हो इधर हो। अरे मान ले बात, एक साइड हो, अपने घर चलो। ओए दरोगन चला जा इनते, साला शराबी। ओ मेरे सपनों की, मेरे सपनों की दरोगन आवेगी। यो तो सारा गामी दरोगन के पीछे लग गया। मैं भगवान तेरी सोतन से एक दिन बनाऊंगा जरूर। ताऊ यार ये दरोगन वाला मामला जो है ना ठंडा पड़ गया दिखे, गांव में रोड़ा ही ना हो रहा। अरे यार वो तो चीज ऐसी बनाई है भगवान ने, अगर तेरी ताई का लिहाज ना होता ना तो मेरे घर में भी छोटे छोटे एसपी डीएसपी घूम रहे होते। ताऊ जो बुरा ना मानने तो एक बात कहूँ, तू है बड़ा बहन का रोला, सारे गांव में हो रहा से तेरी बहन का रोला, सारे गांव में हो रहा है। तू मेरा यार नहीं, तू मेरा बालक भी है। अरे काम बताऊं वो तू ही कर सके। कौन सा काम? अबे डरे मत, अब की बार मैं तुझसे कटड़े का दूध कड़वाने नहीं कहने का। मैं तो तुझसे नू कह रहा यार, जब से तेरी ताई गई है ना मेरा जीवन सुनना हो गया। कभी कभी तो इतनी याद आवे खेत में जाना पड़े। खेत में क्यों ताऊ? अब घर में खुलकर रो ना सकता ना। अबे सुन तो सही, कोई बीरबानी हो तो मेरा भी जुगाड़ करा दे यार। ताऊ तन्ने कौन से मुनक्खे चाप रखे हैं? वो तो खुलाई फिरो जा सांड की ढाल, रुकी ना रहा। अब सुन, बात तो तेरी बन जाती, मैं अपनी साड़ी से करवा देता। 500 रुपए की बात थी बस, 500 रुपए महीने का खर्च है, पर देख ले तू उससे तेरे लोंडे की बात चल रही, ऐसे अच्छा ना लगता। और जो तुम दोनों आपस में बात कर लो तो मैं बात कर लूंगा। चल यहां से, क्या बकवास कर रहा तू? ताऊ तुझे मेरी बात बकवास लग रही ना, फिर तो तू हाथ ही चला। मेरा मतलब इसमें हाथ चला। एक बात बता। हाँ। मेरे बेटे। हाँ। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ। नू बता तेरी सास कैसी रहेगी मेरी गैर? हद कर रहा था। अरे उसे तो छोड़ दे, सबके टिपरे पलटे तू। पैक बना। देखता हूँ, यू है किस्मत की बात, चला मीट भी खुद चल गया। भाई यू मक्की है। चुप, यू मीट है, इसी की बहन को मारूंगा पहले। मीट है यू, खा जा खा जा। अरे तऊ तेरे पे सही में ना रुका जा रहा के,
अरे बेटे तू समझता नहीं, आदमी के जीवन में भी औरत का सहारा बहुत जरूरी होता है। ये बात कर रहा था, जब से मैं घरवाली को बिहार से खरीद कर लाया ना, मैं खुद बेसहारा हो लिया। ओए भोला। हाँ। इधर सुन, यहाँ खड़ा हो, तुझसे हमें बहुत जरूरी बात करनी है। चल भाई बात कर। के बात करूं मैं? अरे वही शादी वाली। हाँ। ओए भोला बात सुन। हाँ बताओगा भी, की बात होगी? तेरा बाबू सेटिंग की बात कर रहा। दूर। इसका मतलब तेरे ब्याह की सेटिंग चल रही है। और बात सुन भोला। अरे बताओगा भी भाई, तू इस गांव में सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे बड़े कॉलेज में भी गया तू। हाँ गलती है मेरी, इस बात की सजा दे देता मुझे। चुप, तू बोल भाई। जैसे तू बड़े कॉलेज में गया ना, ऐसी मेरी साली बिहार के टॉप कॉलेज में गई। अच्छा क्या करा उसने? अरे सफाई विभाग में गई। चुप हो जा, तेरी सफाई कर दूँ मैं। अरे सफाई तो एक दिन मेरी हो जाएगी। अरे बापू कैसे करेगा तू, मान जा। अरे तू लेकिन आता इसकी साली को। इसकी साली उस बिहारन की भाना कैसे ठीक कर देवे, जानू मैं उसे। अरे है तो नुगाई। अरे अब क्या तू दरोगन से ब्याह करेगा? बापू का तो बनाना ही पड़ेगा। पिताजी मैं और बोबी दरोगन है ना। हाँ। हम गैल पढ़े थे और हम एक दूसरे से प्यार करें। मने तो मैं बात नूना बताई, तुम सारे गांव में ढोल बजा दोगे। ना 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 ना, ऐसी बातों का जिक्र कहीं नहीं होने का। ओए पहलवान आराम कर तू। चल भाई पहलवान, किसी से कुछ नहीं बोलना। सुनो रे गांव वालों, हम बताएंगे जो बताएंगे, मगर फिलहाल हमें कुछ नहीं पता। गांव वालों तो चल गया पता। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें नीचे। हाँ हाँ पता मुझे, नीचे इसमें कुंडी। गांव वालों अब देखेगा गांव चौधरी का मामला। दरोगन कहेगी पिताजी रोटी खा लो। दरोगन। हाँ दरोगन। पूरा गांव कहेगा दरोगन का जुजरा जा रहा। अबे भाई गांव वालों अब लिख लो ना बाहर, कहाँ छुप गए सारे, बाहर को आओ। आओ बाहर को। और सुनो रे मेरे छोरे का वो भी दरोगन से सेटिंग है, दरोगन से। हाँ। अरे बलवंत जाकर सो जाने, कम फेंक ले हमारा मकान गिर जाएगा। मैं फेंक ना रहा, जब थाने में जाकर आन मिलो सजना फिरेगा ना राम प्यारी पे, इसमें जब समझ में आ जाएगी। ले चाचा ये 50 रुपए। ये कैसे है भी 50 रुपए? अब तो दरोगन तेरी बहू बन गई, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। कैसा टिकट? दरोगन बहू है मेरी, कोई धर्मेंद्र की फिल्म ना। तू फिर शास्त्री का मूड पे आया दिखा। अरे चाचा के हो रहा यू, चल घर चल। अरे यू बात मान करने दे रहे मेरी? अरे सब मान जाओगे, चलो रे सब अपने अपने घर चलो, यहाँ बड़ी सर्कस हो रही है। अरे यो सर्कस से कम थोड़ा ही है। चल चाचा आन दो, आज हम बताएंगे उनको का समझे है अपने आप को। दिन रात हुकुम चलावे हम पे। क्या तेरी बहन के आज तो लटके तेल लगा रही है, भुंडी शकल की। अरे भगवान अब तो चाइना ने भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी भेज रखी है। अरे यार एक कोरोना इसकी भी बांट दे ताकि मेरा तो कलेज खत्म हो। इस भुंडी जगल की ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है यार। अरे मेरा ढोल अभी तक सोया ना, बगैर बजो सोए नहीं। आ गए सजनवा, रात कहाँ थे, जबान नहीं है का मुँह में। चाली कम बोल, चुप
जिस दिन मेरा दाव बैठ गया ना, आज तो तू लड़ ले रही, आज तो मैं कुछ नहीं कहूँ, और जिस दिन भी मुझे तू खाली मिल गई, मैं इतना फोड़ूंगा तुझे, टक्कर मार मार के तुझे खुन्नम खून कर दूंगा, खुन्नम खून। कहाँ से पी के दारू? अरे मैं रास्ते में जा रहा था यार, और मैं ऊपर घूम करके मौसम को देखने लगा, और मौसम हो रहा था बहुत बढ़िया, अब किसी ने ऊपर से पैक फेंक दिया और वो मेरे मुंह में आ गया, इसमें मैं क्या करूं बता। ओए होए मेरे भोला स्वामी, एक ही पैकवा में हिल गए का? ना ना ना, एक पैक तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेज तेज चलने लगा, मैंने के देखा एक बिलेंद बिलेंद के बालक गिलास भर भर के दारू पी रहे, और उस जहर को मैं कैसे पिया देता हूँ ना, मैं उनसे छीन गया मैं पीगा, इसमें बता मेरी की गलती, भुंडी से गलती का है, कोई बहाना तो ठीक से मार लेते, हमका लगता है बहाने बहाने में तो पैदा हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए सुरवा कैसा है? वो चौधरी था अपने लाड साहब के लो दरोगन लाओगा। अच्छा वही ससुरा रुक का काटता फिरे, और हमारी बहनिया का होगा? अरे उसे तो साले को मैं ही रख लूँगा, पहले अपने तो रहने का ठिकाना ढूंढ लो, और हाँ ये सुन लो, हमारी बहना उकरा के घर में ब्यानी चाहिए जरूर। अरे तो मैं क्या करूँ, जब अगले की किस्मत ही ठीक है, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, और तू देख रही है मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दिख रही, तो से खड़ा तो है जाना रहा। साले बकवास कर रही, मैं पहलवान हूँ, एक बार मैं खड़ा होकर दिखा दूंगा कितनी मर्जी मान रही हो। आई लव यू चुम्मा दे। ये दरोगा लाऊंगा सारे दरोगा, दरोगा लाऊंगा सारे दरोगा, उन्हें फोन कर दूंगा साले, दरोगा लाऊंगा दरोगा, साले घंटे जगह ले अभी यहाँ पे तेरे को मालूम है मेरा जो। बस छोटू बहुत बढ़िया हो यार, बारिश होगी, लोग बाग बड़े परेशान थे, दुनिया के खेत सूख रहे थे, खैर लोगों से याद आया यार दारू में बिल्कुल मिलावट नहीं होनी चाहिए, और ना तो मारे मार शास्त्री में क्या फर्क रह जाए होगा, जैसे भी है तो मेरे भाई बंद है तो गाँव के ही। भैया थोतू ते होते हुए तो ही तन ले लेती दलो तले, आज तक तो ही शिकायत हुई है जो अब हो दी, ना शिकायत तो ना मिली। अरे आजा भाई अमित आजा। अरे यार अमित लेट हो गया तू, दारू तो सारी बटबुटा ली यार, खत्म होगी। भाई यार दारू की चाहना नहीं है, आज तो भाई जी ताऊ के एकदम अचानक अटैक आ गया, और भाई पैसे सबसे मांग कर देख लिए, किसी के धोरा नहीं मिला उधार मांग के, इब तेरे धोरा आया यार मना ना करिए। ले पकड़ भाई, ये आदमी बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा निस्वार्थ आदमी बहुत कम मिले, बहुत कम देखे। चल कोई बात ना भाई, जरूरत पड़े और ले जाइए। ठीक है भाई, आज तो थारी सबकी छुट्टी है, चलो आओ खेतों में घूम के आऊंगे, चलो चलो। यो बलिया हो जा, बालित भी लुट दी अल खेतों में दान दे, बाद में भी दान दे, वहां अम्मो ते बाद में ठीक है, अल मैं तो देख मासी छिछी तरुआ ठंडी ठंडी हवा लगी पिछवाड़े पे। भाई मोहित तेरे ब्याह की तारीख पक्की होगी, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ भैया मेरे मरने की तारीख पक्की हो गई, मेरे कच्चे मकान की छत पक्की हो गई, जो लौंडिया इंडिया से विदेश में गई थी वहाँ जाएगा पक्की हो गई। साले यू कच्ची शराब आज तक कच्ची की कच्ची है, पता नहीं कब पकेगी। अरे यार ताऊ तो कौन सा स्टेशन पकड़ रहा? अरे यू तो नू ही कहता रहे। अरे मैं तो नू चाह रहा था यार तेरी भाभी के घूमिया में, वैसे तेरा ही होना चाहिए था पहले भैया। या ना मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं 40,000 में दिवा रहा था, सुंदर टिकाऊ मजबूत पढ़ी लिखी छठी पास, मेरी कोई समझा जब ना बात हूँ। साले तू चुप हो जा, मेरा जोरा कोई ऐरी गैरी नत्तू कैरी से ब्याह करेगा के? मेरा जोरा लावेगा दरोगन, दरोगन। भाई यार हम तो अपने बाप से दुखी है। अरे बबलू। हाँ जी। अरे ले जी इन्हें भीतर। पता ना यार 24 घंटे इन्हीं बातों में लगा रहे। चलो सारे गांव वालों पर पट्टे फिरवाऊंगा, पट्टे जब दरोगन आएगी। कद मानने का पता नहीं यार। ओ पहलवान बोतल पकड़ा। पियो पियो। बोला एक आध पैक तू भी ले ले करके दी। अरे यार मोहित तुझे तो पता ही है मैं पीता ना हूं।
पर हाँ तेरे ब्याह वाले दिन जरूर दो पैक मारूंगा। पक्का? पक्का। बेटे तू दूध पीले दूध, इसे झेलने के लिए शेर का जिगर और स्टील का लीवर चाहिए। लीवर? अच्छा भाई, इसे तो मैं ही झेल रहा हूँ बस। अरे तुम सारी बात छोड़ दो यार। बोला मैंने तारी भाभी नहीं देखी अब तक, और जब तक मैं सारे कागज पत्र चेक नहीं कर लेता ना, मैं कोई केस नहीं लड़ता। अरे वकील तुम्हारा भी इलाज बंधवा होगा। अरे यार तुम डरो बहुत हो। अरे जावेंगे, देखेंगे, मिल आओगे। बस सुन ले भाई, तुम मेरे से डकैती करवा लो या मर्डर करवा लो या किसी को पिटवा लो, तेरा भाई अकेला चीरता हुआ निकल जाएगा भीड़ में अकेला। पर मैं मेरे पे किसी की लौंडी लारी पे निगाह नहीं गिरा। मेरे पे तो अपनी घरवाली पे निगाह नहीं लगी, साला कोई और ही मार रहा निगाह वहाँ। अरे वहाँ किसी ने पकड़ लिया ना तो शगुन दे बिना छोड़ने के ना। अरे तुम मरो यहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, साला ना गया तो ये खा जाएंगे। चलो कम से कम दारू का जुगाड़ तो बनेगा, क्या पता 151 शगुन के भी मिल जा। रखे सोच रहा पहलवान। चलो भाई मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है तड़की चलते हैं। ले भाई होगी टेंशन खत्म, तड़की चलेंगे। 40 मिनट में उसके घर, 20 मिनट उसे देखेंगे, 1 घंटे में अपने घर। देखने वाले मिनट कुछ ज्यादा ना हो रहे? 18 मिनट कर लेंगे। 2 मिनट क्यों कम करे, पूरे 20 मिनट ही देखिए तू। ठीक है हाँ चलो ऐसा कर लेंगे। देख मेरा भाई। भाई तम करो अपनी चुम्बा चपटी, मैं भी चलू घर को, मुझे जाना ना अमरीशपुरी झेलना अभी। भाई सीएल हो मजाक ही रहे यार, लाया था बहू लिकड़ा बाप। खोलते जल्दी। अरे खोल तो रहे हूँ, घड़ी तावड़ लग रही है। अरे पहलवान पता ना कहाँ मर गया, आया ना आप लो यार। अरे आ जाएगा तू, बैठ जा घर के, देख लेंगे जल्दी कर। अरे कहाँ रहेगा यार पहलवान। अरे यार ये बिहारन ने दिमाग खराब कर रहा, कहीं उठ जाती तो मुझे खा जाती यार। बैठ जा जल्दी यार। चलो भाई। भाई सुन, मुझे तो आज घबराहट सी हो रही। आता ना तड़की तना पीना, इस मारे तो घबराहट सी हो रही है। अरे चुप मर जाओ, तुम जरूर पकड़वाओगे कहीं ना कहीं। अरे सोलह थारा तो बयान हो गया, मेरे तो बच्चे हैं और घरवाली है, और मेरे से प्यार ही बहुत ज्यादा करे वो। हाँ मुझे पता तेरे से कितना प्यार करे घना, रहने दे। अरे भैया अगर वह इसकी बहू की तरिया काली पाई तो कैसा होगी। अरे ताई बता रही थी बहुत सोनी है, एकदम मुमताज है मुमताज। हम बे ताई को तो घनी पता, क्यों तो मुगलों तो पहले आई हुई है ना। मुमताज बता रही, उसे ना कुछ ही पता। अरे तू टेंशन मत ले वे, चल तो सही, वहीं जाकर देख लेंगे सब ठीक हो जाएगा। चलते रहे। चलो चलो। घर तो यू है भाई, अब एक काम करो इसी स्कूटी को कहीं लुबका दो। अरे फिर तो से नाले में लगा दे। बावड़ा दिख कूप है कहीं, नाले में लुड़। आगे को लगा दे चल स्कूटी, चल चल। इंगे को लगा दे इंगे को। अरे आ तो गए यार, पर कहीं लगा दे जल्दी, लट लगेंगे पीछे। आओ, आओ। चले गए, ये मरवावेंगे आज, चल जो होगा देखी जागी, मिलना तो है ही। अरे आजा जल्दी। आलिया डार्लिंग। पहलवान यहाँ ऐप ना हो जा बिल्कुल भी। ना ना बिल्कुल नहीं। पकड़े गए ना तो मामला बिगड़ जाएगा सब कुछ। ओए मोहित स्ट्रिंग को जान दे और हम इनको चलेंगे, चल आजा। देखियो मरवाओगा, यू नशेड़ी मरवाओगा, पकड़वाओगा कि आराम थे। अरे जब पकड़े जाएंगे, जब जब देखेंगे दिमाग खराब निकल। चल सुनो हम इंगे जा रहे हैं, तू परे जाइए, सारे देखते चलो। चलो चलो, चलो। आओ। अरे आओ आ जाओ आराम से आइयो। अरे रुको इस बीड़ी फूंक दे, अगर पकड़े गए ना हम तो यही बताना है हम हलवाई हैं। हाँ सही कह रहा हो, ध्यान दे। चलो अलग अलग।
मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यू देख कौन जान लग रहा, यू मरवा होगा, यू पकड़ा जाओगा पक्कम पक्का आज। अरे देख तेरे वाली आगे दिखे है, यह तो चाची लग रही यार। बच्चे देख रहा, भाभी देख रहा हूँ मैं, भाभी मेरा मतलब है मैं हलवाई हूँ, मैं भट्टी लगाने की जगह देख रहा हूँ। तुम्हारे छत पे क्यों खड़ा, वहां जगह लगाते क्यों नहीं भट्टी, तू चला जा परे। देखिए वहां तो ना है, याई लगा है मुझे मेरे वाली, पक्कम पक्का याई है, जोर का सौदा है। अबे कहां गया, अरे यू फंसवा होगा, मानने नहीं बिल्कुल भी। अरे मरवा होगा के, हम यार राखी को देखना है, बाकू भी देखना है। अरे राखी को छोड़ पर है, वह छोरी देखी कितनी सोनी है, यही देख रही है। अच्छा तुम लोग राखी से मिलने आए हो? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, हम तो हलवाई हैं जी। तू तो लगे भी शक्ल से हलवाई है। साढ़े चुप रहिए, जिसने रुक का काट दिया ना तुम्हें घर वाले यहीं दही तोड़ देंगे। अरे तू रुक में बात कर रहा। अजी हमें राखी से मिलना है, अर्जेंट काम है। वो जो बाहर हरे कपड़ों में खड़ी है वही है। आदमी सा आयु, अरे कैसे झटका लग गया भाई, मुझे न करना इस तरह। क्यों की बात होगी, पता नहीं कौन से गिरहता आई है, ऐसे तो निगाह उसकी, हाथ भी ऐसे टूटा पड़ा, मैं नहीं करने वाला था। अरे ओए बेशक घुंडी शक्ल की है तो औरत ही ना, किसी को तो ऐसी भी ना मिलती। ओए चुप हो जा उल्लू के पट्टे, नहीं फोड़ दो तुझे। हाँ भाई तेरे तो ब्याह ही कर दी मना है, छोरी घर वालों का दिमाग घूम गया ना, पता क्या होगा। कुछ भी हो जाओ पर मैं इससे ब्याह नहीं करने वाला। तू तो मना कर रहा है, ताई से तो बात कर ले, चल चल माता ही कर लेंगे। अरे छोरो इधर आओ, तुम्हें मुनिगिरी करने के लिए बुलाया, चलो काम पे लगो। ए छोरियो ज्यादा हंसो मत, ये तो खुद ही काम चोर है, काम क्या करेंगे। चाय भाई पिला भी नहीं, सुना नहीं क्या, चाय लग दो। जी ताऊ जी, हाँ हाँ। चल चलते हैं। अरे मैं क्या करूं, अरे भैया इससे तो हमारी ससुराल ठीक है, कम से कम दो पैसे की इज्जत तो है माँ। मुझे पता तेरी कितनी इज्जत हो माँ, कितने चर्चे हो तेरी इज्जत के। अरे मेरी तो किस्मत फूटेगी रे, मुझे तो कहानी मिलेगी रे। एक काम करो, कुछ भी करो, बस यहाँ से निकल लो किसी तरह। सही कह रहा तू, यू बुड्ढा भी तो यही मर रहा है, लिकड़ेंगे कैसे। अरे वाह फिर आली। चाय ले भैया। मका दो पापे हो जाते तो मजा ही आ जाता। आई 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 आई। खो छा खोए। अबे के बोल गई हो? ओ बावले बुद्धू यू गुंगी है गुंगी। यू तो चाइना का बम दिखे। चाय पीने में लग रहा है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इसके बाप से बात कर लूं पहले। हाँ जा। अब मैं बात करके आ रहा हूँ। जा तू बात करका। पहलवान वकील जा रहा बुड्ढे धोरे, यू मरवाऊंगा। हाँ जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। पहलवान भागने की तैयारी कर ले। बिल्कुल पूरा चल रही बात। अजी वो मैं। अरे कुछ बकेगा भी। पापा वो मेरा सूट नहीं आया अभी तक। पापा मैं ले आऊंगा, और तू चिंता मत कर, बस अभी जा रहा हूँ। ठीक है पापा। ए भाई एक बात तो बता, इसके ससुरे ना भूतिया ने से पिछाना ना है के? अरे इसका मौसा आते से देखन। अच्छा हाँ भी तू क्या कह रहे था जी, राखी यही थी क्या? हाँ। इसका ही ब्याह है क्या? हाँ पर होया के वो जी कुछ ना जी। अरे सारे पागल मारी जिम्मे पड़ गए। अरे भाई के रहा? अरे तारी भाभी एकदम पटाका सी है। यस मजा आ गया। तो कैसा लगा हमारा मजाक जीजा जी? अच्छा तो आपने हमें पहचान लिया? हाँ जी। पर कैसे? कानून की नजर है। पर कानून तो अंधा हुआ है जी। अच्छा तुझे बड़ा पता है कानून के बारे में, लगता तेरा आना जाना लगा ही रहता है।
आपसे एक निवेदन है, क्या राखी और मोहित 10 मिनट मिल सकते हैं? मिल तो 20 मिनट सकते हैं, लेकिन गांव से बाहर। तुम भी आ जाइयो, थार ते बेइज्जती करवा के बड़ा मजा आया। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ जो आप मिले। जी मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ। यार बात करूँ ना करूँ कभी गलत समझ ले मुझे। पागल है क्या? चल यहाँ से। अरे जानिया बेकरारी हो जाए, जब जब सुनो सांसें तेरी जानिया मुझ पे खुमारी हो जाए। ओ मेरा दिल मचल 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 जाए, मुझे चैन कहीं ना आए। जानिया जानिया दिल भर जानिया, जानिया जानिया दिल भर जब से देखा तुझे मैं दीवाना हुआ, इस जहां से सनम मैं बेगाना हुआ। ख्वाहिशें टूट कर फर्श पे गिर गई, जब से दुश्मन मेरा ये जमाना हुआ। दीदारे यारे को मैं तड़पता रहा, आग लगती रही दिल तो लगता रहा। जानिया जानिया दिल भर जानिया, जानिया जानिया दिल भर जानिया। तेरी चाह में दिल तड़पता रहा, दिल तो पागल मेरा इसमें जलता रहा। तेरा इश्क जो समझा तो बेखुद हुआ, लम्हा लम्हा मेरा दिल तरसता रहा। तेरे इश्क में जानम सवार मुझ पे, मेरे दिल जानिया जानिया दिल भर जानिया, जानिया जानिया दिल भर जानिया। जब जब देखूं आंखें तेरी जानिया मुझे बेकरारी हो जाए, जब जब सुनो सांसें तेरी जानिया मुझ पे खुमारी हो जाए। मेरा दिल मचल 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 जाए, मुझे चैन कहीं ना आए। जानिया जानिया दिल भर जानिया, जानिया जानिया दिल भर जानिया। बनाने वाले ने जरा भी क्या चीज बनाई है, तो पैक अंदर आते ही जन्नत पैरों में। अरे बकवाद कर रहा, तेरी सब्जी में तो नून नहीं मिलता है। ज्ञान का बखान कर रहा, पैक बना और पी चल। इस बलवंत से ज्ञान लेने के लिए दुनिया घूम रही है दुनिया। अरे तेरे जैसे तक ज्ञान लेगी तो दुनिया घूमेगी, देख रहा कोई? इस बेशरम का शर्म नहीं, घर में ब्याह का काम फैल रहा, बैठा है लेके।
दारू पी ले तू, वे गीतन वाली बैठे वे दिखाई ना दे रही तुझे। मुझे तो तेरी गज भर की जवान भी दिख रही है। और परम सिंह तू तो अच्छा समझदार है, तू भी बैठ गया इसकी गेल, तुझे इससे बढ़िया आदमी ना मिला कोई गांव में। उषा तुझे तो पता ही है मैं के पी हूँ, मैं तो वैसे ही बैठा। मैंने ना बुलाया किसी को भी, तो खुद ही साला यहाँ आकर बैठ गया। हे बलवंते, साला होगा तू, अपने बहनों ही का हम नहीं लगते तेरे कुछ भी। तेरी बहन है होती ना तो तेरी इतनी जवान ना चलती। फिर तो तू ज्यादा छिटता। वो तो उषा मेरी बड़ी बहन है, जो मैं तेरी इतनी इज्जत कर रहा हूँ। छेद देता फिर तो मैं तुझे। वो तो मर गई और इसे हमारी छाती पे छोड़ गई, इसने हमारा खून पी रखा है, इसने कर दिया हमारा जन्म दुखी। और इस घाट को बंद रखी है, यूं बता रही हूँ, तेरे घाट में खोदा दे दूंगी। ए उषा, घर से बाहर निकाल इसे, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे आदमी की भी। हमें प्रेम सिंह अकेला भी थाम देगा अकेला। अरे कुछ ना ही सकना दिया, जब तक पी के थिएटर ना हो तब तक ब्याह सफल ना होता। यूरा मुखिया, इसने ब्याह में अपने शराब ने पियाई और उसका 6 साल से केस चल रहा और बहू घर बनी है, ना छुट्टी और ना कोई फैसला होता। अगर मैं मर भी गया ना तो तेरी दिल्ली पे चढ़ने का शराब पी के। अगर तेरी दिल्ली पे चढ़ू तो मुझे कुत्ता कह दिया कुत्ता। ए जा बेशरम, पूरा ढोंगी हो रहा, पी के ऐसे ढोंग मचावे। ढोंगी हो रहा और चलो, सुन चलो चलो, अगर चलो, मैं तेरे कारज में आया तो मुझे कुत्ता कहियो कुत्ता। जले जा इसे लुटा दे जा। चलो कुत्ता बनाइए मुझे कुत्ता। चलो चले जा इसे, और नहीं एक भी मार दूंगी इसे। कुत्ता कुत्ता कहूँ मैं, कुत्ता कुत्ता। ले जाओ ले जाओ, चाचा ने खून पी रखा, मुंह तो पी के भोग के आना आप सनाप। चला जा जा, हमें जरूरत नहीं है ऐसी शराब पी की। पव्वे से धरे थे दो कंघा गए। उषा तू ऐसे कर, मुझे दो काजू से दे, घेट कड़वा हो रहा। अभी से काजू दे दूं, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है, तो मैं सब काजू खवा दूंगी। अरे तू ही ला दे यार। हाँ मामा मैं खवाऊंगा, आ जा। हाँ चल चलो मेरे भांजे राजा। आ जाओ। आजा माथा टेक ले भगवान जी का आगे, आशीर्वाद दो भगवान जी। कितने हाथ जोड़ लिए, जान न बचे अब। तू भी टेक ले माथा, भगवान जी से भी आशीर्वाद दे, तो ऐसा बढ़िया सी मजबूत सी बहू मिल जा। अरे ताई जल राम है तो लग जाएगी, पता चल मेरी तो वैसे ही हवाली कट रही है। दोनों दूल्हे से लग रहे हैं। अरे ताई उन्हें उठ तो लेने दे, ऐसा के सोतो की छाती पीछे डाब गया मैं। अरे कहाँ रह गया? बोला मुझे तो घबराहट सी हो रही है। की बात होगी? पता नहीं क्या हो रहा है। अरे चल अरे क्या बात है, आज तो जम रहा है। देखी चाहिए साड़ी हो क्यों है। ओ मेरे भतीजे मोहित, आज तो तू बिल्कुल दूल्हा से लग रहा है। आज तो तू भी कम ना लग रहा, पूरा गुलफान लग रहा। अरे भाभी और साले आज तो तू ही चमक रहा। बहुत देर कर दी आने में यार, कत्ता इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरी। घड़ी देख तो देख तो आंख दुख कर लगी मेरी मेरे यार। अरे कोई बात नहीं, नहाने धोने में टाइम लग गया तो हमें पता। चलो बैठो अच्छा जल्दी। ठीक है देवर, ठीक ठाक लियो फेरे गिरवा के बालकों के, और वहाँ बिल्कुल मत पी लिए, घर आके चमेर से बोतल ले लिए। तू चिंता मत मान, मैं सबको संभाल लूंगा, दो लौंडे मैंने संभालने को रख रखे हैं, अपने आप संभाल लेंगे। नू तो मुझे पता है। ठीक है गांव वालों, भतीजे को भी आने जा रहा हूँ। अरे भोला यह कल वाली फिल्म है? फिल्म तो ये कल वाली है, पर इनका सीन चेंज है। अच्छा आ गए चले। अरे बबलू, अरे यू गेट तो खोल दे, कहाँ मर गया बबलू? अरे जल्दी चलो, समंदन बाट देख रही होगी, थमा नहीं जा रहे मेरे पे। हम ही लेट हो गए, बस तो पहुंच के दिखे।
ये भगवान भोले बाबा ठीक ठाक फेरे गेर के लावे और खेड़ा जीत के आवे। चलो भाई तुम मीठा मुंह करके जाइयो। चलो चलो भीतर को तो चलो। हाँ भाई पहलवान, यहाँ कैसे हैं? बस ऐसे ही। बरात में ना गया? बरात में अब जाऊंगा ना, मैं नहाने ही तो आया था 12 में। अब क्या करेगा बरात में जाके, बरात लौट भी ली। ये बात कर रहा? सच्ची? ओहो, इसका मतलब शराब नशा कर रही साली अब मुझे। पहले तो कभी नशा ना हुआ, अब साली शराब ही हैवी होगी। मैं कद से पड़े हुई यहाँ कुछ पता ही ना चला, हद होगी। मैं सालों की दारू की ना पीऊं आदत छोड़ ही दूंगा। बड़ी महंगी हुई शराब भैया, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी की हम छोड़ ही देंगे ना सुसरी को। भाई साली दारू बहुत बुरी चीज है, यार का भैया भी नहीं देख पाया मैं। दारू जमीन बिकवा दे, दारू घर का नाश कर दे, आदमी का नाश कर दे। जिंदगी में कभी दारू नहीं पीना है, और मैं तो भाई आज छोड़ दी दारू ने मेरे दोस्त की शादी, मैं जाने से भी रोक दिया, इसलिए बहुत बेकार चीज। दारू घर परिवार खराब करती है। और बाकी कुछ याद नहीं भाई, मुझे माफ करियो, मैं दो पैक लगा के बताऊं आप। बाय बाय। साले सुना, मेरे भतीजे का ब्याह हुआ, बहुत बढ़िया। आज मैं खुल के नाचूंगा, तू बैठ के पी
अब मैं ए ए समा अरे कुमार लास नचूंगा मैं थम ओ टुच्चे थम यू कहां से आके मटकल लगाई हां ए चल चलूंगा लौटिए क्यों लौटू मैं मेरे भतीजे की बहू आई है बहू अरे तो बहू आई है तू लुगाई में नाचेगा अरे भाभी आज तो नाचन जी भर गए लौटूंगा को तेरा न रही लिहाज बिल्कुल भी तू तो बेशरम हो लिया ये के कहेंगी तो वाली बैठ जा हक्कू कम्मा खत मुझे भी घेरा कर खुद भी मरेगा तेरा न रही शरम लिहाज बिल्कुल भी बेशरम हो रहा पक्का इतनी सटक ले जो तन्नक भी से सुधरा वे कार का दिखा रहा खुरपे से दांत मिल गया चुखार तुझे रोका था मत जा बीरबानियों में मजा लेन गया हम ज्यादा बकवास मत करे चल पैक बना ना बनाता तेरा पैक हम बनाएंगे तू दो कोड़ी का आदमी है तेरी बहन की ससुराल है यूं तेरी गाली दे रहा है ए उसा उसे उसा ए साले मारेगा ए भगवान पे शेर बन रहा फिर लड़पड़े दिखे हैं ये लंगड़ा कर दिया उसा अरे के हो गया इस लुंगाड़ को मना ले इस लुंगाड़ को मना ले तेरा भातिया सारे काम करे प्रेम सिंह अकेले ने ब्याह था अम्मा और यू दो कोड़ी का आदमी मारी बेइज्जती कर रहा करने गया था वहां अब मैं यहाँ नहीं रुकूं जिनावर चला जाऊं मैं हट जा तेरा कैसे लिहाज न रही तन्ने तो बिल्कुल ही हद कर दी तू तो मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करन लगा हैं यूं कर गया ब्याह मेरा कोई मतलब ही न था वहां इस मूत को पी का कैसे बिगड़ मचा हुआ है घर में तेरा कैसे लिहाज न रही बेशरम मर जा कहीं डूब के अब नहीं रुकूं मैं उसा अब नहीं रुकूं मैं जूती ले जा अपनी जूती फेंक दी मेरी दूसरी भी दे अब निकालो कोई मुझे मेरे देख लूंगा साले देख लूंगा तुझे तो मैं देख लूंगा तुझे साले कछुए चला जा छतरी कुछ तो लेके मरवा मैं था रहा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा तेरी मैं अरे कैसे बाथरूम में पड़ा रहेगा आजा आजा कई बार होया बाथरूम में की बात है कैसे ठीक भी है यार पेट खराब हो गया रात हैं पेट खराब हो गया कल कदी तू पेट खराब बतावे कदी तू नु कहवे मेरा दिल कमजोर है या दिल में दर्द है कैसे सारी बीमारी तू ही दबाव फिर है यार उन्होंने बताना कैसी दावत दी पेट भी खराब कर दिया दावत तो हमने भी खाई ऐसा तो कुछ ना होया जैसे तू बात बना रहा है अरे आज तेरे सुहागरात है गया ना अरे यार मैं वहां जाकर करूंगा के मुझे तो न्यू भी बताना सुहागरात में होना के तू बता दे कुछ हां मुझे पता ना 15-20 ब्याह हो रहे हैं मेरे डेली सुहागरात मन रही है झण कैसी बात करे मुझे आज तक किसी ने नोता भी ना दिया सुहागरात पे आ जाइए मुझे के किसी ने नोता दे रखा मुझे ना कुछ पता तू ही बता करना यूं ही है दो पैक मार और तेरे पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो दिल कमजोर हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और स्वागरात हो सके तो वो भी मन सके अरे क्या हो रहा भाई अरे आजा भाई पहलवान ले यार एक पैक बना सिर में दर्द आज दिमाग खराब हो रहा कैसे के बात होगी बरात भी ना पहुंचा अरे यार जैसे ही मैं कल थारे घर से निकला अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते भैया थारी भाभी बिगड़ गई और उनने जो मुसल उठाया अच्छा वह बिहारन हाँ वही बिहारन जिसे खरीद के लाया अरे भैया उसने लट्ठा लिया और भैया मैं नशे में था मुझे पता ही ना चला मैं पिटाया बचा मैं खेत में भाग गया तने तो बहुत मारी होगी फिर वा बच गई बस अरे यार यू ठीक है देसी में ना सजा दे तू यू मारेगा उसे वह रोज कुटिया वैसे घेर के पैट दूंगा उसे अजी पैट देगा ले भाई पहलवान पैक बना हाँ हल्के हल्के ही बनाइए कभी बैठा दे पूरी बोतल ना हल्के ही बनाऊंगा वैसे भी मैंने बहुत पैक बनाए मैं चल ही रहूं दिन में ही बस बहुत ले भाई वकील साहब लो जी वकील साहब इस्ते के हो जाएगा यार नू बता दो तुम इस्ते तेरे दस्त लग रहे वे बंद हो जाएंगे अरे बेटे ही ऐसी चीज है घी दूध खाओगा वो करेगी 6 महीने में सर यू तुरंत एनर्जी लाती है और तू रोज पी के अपने घर जावे तेरी बहू रोज पिटे और मुझे कह रहे हो इसे पी के चला जा स्वागरात मनान तुम भूतिया समझ रहे मुझे वैसे दोस्ती की बात वकील है मैं वकील अरे भैया यहाँ वकालत मत झाड़े कोर्ट ना खुल रहा अपने इस पैक कुमार और जा अपने थानेदार ने धोरे जाकर काम हो जाएगा काम तो हम कह नहीं सकते बाकी सो सकता है तू
पी ले और काम पूरा करिए। ओहो, दस्तों में कुछ आराम लगा? कुछ नहीं, एक दो और दे दे। अरे पैक में और गेट दे। आप बनो। ले ले, तू भी ले। हम ही झेल लेंगे। इसमें बना दे मेरा पैक। इसी में चले, हम ही झेल लेंगे। आज भाई के भी हम भी दो पैक मारेंगे। बस 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 बस। देखिए और गिरू पानी, ठीक है तो नहीं। पक्का लिगड़ा तू तेर, पक्का घना पक्का लिगड़ा भाई तू तो। तेने मेरे भ्याम पीने के ही भाई तो करा हुआ वादा पूरा करना पड़ेगा। बना दे मेरा एक और। सही सा एक बना दे। भाई भोला एक बात बता, तू मैंने पी ली, तू पी रहा है, तू मुझे न्यू बता के करूं? अरे भैया मेरे ट्रेनिंग स्कूल कोई खुल रहे हैं, मन्ने के स्कूल खोल रखे हैं, मैं के बताऊं? बता उस बात के बारे में के बताऊं जो हमने आज लो देखी नहीं, हम गए नहीं उस बात के ऊपर, हमें के पता। अरे पहलवान हाँ? अरे तू बिहार तक लाया खरीद के, तेरी भी स्वागरात मनी के? हाँ इसकी घनी स्वागरात मन रही है। क्यों ना मनी, मारे बाप दादा स्वागरात मनाते आए। और सुन पहली रात के हुआ, बैठी घरवाली घूंघट बियाली और मैं गया और भाई उसने मेरे को आंख काटी, मन ने भी आंख काटी। फिर थोड़ी देर बात हुई, फिर एक गुट लगा। किसके? मेरे ही लगा। और फिर हम दोनों कोलम कोला हैं। फिर पता ना क्या हुआ, फिर तो भैया पां दबाने पड़े। हैं? पां दबाने पड़े? हाँ। सुहागरात में पां दबाने पड़े? सुहागरात के दिन पता ना की हो सके, पां दबाने पड़ जा, हाथ दबाने पड़ जा, जने केक के दबाना पड़ जा। हैं? मैं ना जा रहा सुहागरात वा रात मनान, मैं चला अपनी वकालत करन, तमी रहो यहाँ। सुहागरात तो तुझे जाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाने वाला भाई। अरे आज मन ने दो पैग ले लिया, तू मेरी बात सुन, सुहागरात पे जा, कुंडी लगा, कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर जाओ राजा। चाहे धरती पट जा, आसमान पट जा, चाहे कुछ भी हो जा, तू अगर मर भी गया ना तो कुंडी मत खोलिए। पर भाई तू मुझे वहां तक छोड़ के तो आ। अरे यार तेरे भाई ने पी लिया दारू और नजरें मत मानिए बिल्कुल भी। सीधा अंदर जाओ राजा, सीधा अंदर जाओ राजा, कुंदी मत खड़काओ, सीधा अंदर लोक लगाओ, कुंडी नहीं खुलनी चाहिए। अगर तू मर भी गया ना, जब भी कुंडी मत खोल दी ना। कुंडी सीधी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बिल्कुल, तू अगर आसमान फट गया, धरती मर गई, चाहे कुछ भी हो जाइयो, तुझे कुंडी नहीं खोलनी। मेन चीज है कुंडी, कुंडी ध्यान रखिए। पहलवान तू ध्यान रख सकता है इस कुंडी का, बस यूं ध्यान रखेगा। तू धर लिए भाई। जा ले जा। कौन छोड़ का ना है मुझे? इसे छोड़ का। इसे? हाँ। तुझे? इसे? सामान इसका, इसे छोड़ का। चल जा भाई। यू मुझे छोड़ का तक ये भाई, मैं ही तुझे छोड़ का आऊंगा। चल कहाँ तेरी कुंडी, हम लगाऊंगे। यार सुहागरात है तो कुछ ना कुछ, पर सॉरी मारी तो मनी नहीं। इसका मतलब है बिहारन वही मनवाई। भाई
भाई अब भी डर लग रहा है। अरे तू डरे मत यार, तू शेर बन शेर। तू अपनी घरवाली द्वारा जा रहा, किसी और की घरवाली द्वारा ना जा रहा। अरे एक बात का ध्यान रखिए, दरवाजा ना खोलिए बिल्कुल भी। मैं तुझे समझा रहा हूँ, दरवाजा मत खोलिए। के बात ध्यान रखनी है, दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, सी यू, आटा टाटा बाटा गोदरेज। मोहित वकील साहब। ओ मोहित जी। हाँ बोला। मन्ने देर तक ही बताई थी दरवाजा नहीं खोलना, अब नहीं खोल लूंगा। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, तेरा भी गुड नाइट, तेरी बहू का भी गुड नाइट, मेरा भी गुड नाइट। जाना नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, कभी वो दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोल सके रात को। मोहित, मेरे बच्चे मोहित। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, ओ मेरे काले, दरवाजा खोल। हाँ मोहित। अरे तू सोया ना जाके अभी तक? तन्ने फिर दरवाजा खोल दिया। भाई सो जा। दरवाजा नहीं खोलना। भाई सो जा जाके, मेरे बाप बिल्कुल नहीं खोलनू, तू सो जा जाके। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जियो दियो भाई अंबानी, जियो। मन्ने गई थी दरवाजा नहीं खोलना। एक काम कर, तू आ जा भीतर, मैं बाहर जा रहा हूँ। दरवाजा खोल दिया। तू आ जा भीतर। दरवाजा खोल दिया। मन तेरे से बताई थी दरवाजा नहीं खोलना, तो नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाओ। अब नहीं खोलने का, जा, तेरे दो हाथ जोड़ू, जा। सुहागरात याद आया, तड़की बहस भी तो नहीं करवानी, यू बावड़ा कहीं कुंडी ना खोल दे। मेरी बात सुन सुन सुन, औरतों की इज्जत देनी चाहिए, देवी तो तुम्हें अपनी इज्जत देगी, समझ रहा ना? और दरवाजा नहीं खोलना। ओके, गुड नाइट। पुलिसिंग इन द नाइट, इन द नो कंट्रोल। मेरा चांद का टुकड़ा। मेरे नसीब, मुझे ऐसा चांद का टुकड़ा मिला। भाई इसने मार लिए हम तो, इसे आज अच्छी दारू पियाई। मोहित सुन नहीं रहा? मोहित एक दिन में जज बन गया दिखे, मार लिया। तू एक काम कर,
मैं घेर में सोऊं, तू यहाँ आ जा। हाँ ऐसा कर जा, यहाँ बड़न लग रहा, नूना जाके घेर में सो जा, जा। अरे मैं तो घेर में सो रहा हूँ, मैं तो तुझे बताना आया था दरवाजा नहीं खोलना। मुझे पता चल गई, नहीं खोलना नहीं खोलना, तू जा। दरवाजा नहीं खोलना, जा। हाँ मुझे पता मेरे बाप, दरवाजा नहीं खोलना, नहीं खोलना, नहीं खोलना। वेरी गुड। हाँ हाँ मुझे पता है, जा सो जा। सुन कर रहे यार, दरवाजा भाई नहीं खोलना। जी वो कौन थे, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, वो मेरे भोला भैया थे, वो बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें गलत मत मानना, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। वो उन्होंने आज थोड़ी सी लगा ली थी और लगाने के बाद उनका पट्टा चढ़ ही जाता है। अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, पूछो। जी वो भोला भैया आपसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, और मैंने सुना है वो ज्यादा समझदार भी हैं, तो फिर अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं हुई? ये एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। वो मैं सोच रहा था कि मैं दूध पी लूं। जी मतलब वो लोटे में दूध रखा ना, फिर वो ठंडा हो जाएगा ना। अरे भोला सुबह होगी अब तो उठ जा। भोला अरे उठ जा सुबह होगी। की बात होगी यार, सो तो जान दे करो। अरे आँख खोल के तो देख, सूरजवान हूँ। हाँ सूरजवान की बात होगी। अरे पता ही है तुझे, आज छोरे का ब्याह है, शराब तो लाने नहीं दे रहा, कहीं से तो इंजाम कर। अरे तुझे तो पता ही है पुलिस बड़ी सख्त चल रही है। अरे पुलिस को तो तू ही देख जो देखना है, मुझे नहीं पता। चल फिर। चल पहलवान। ओ पहलवान रे सुना के, ओ पहलवान। अरे आ रहा हूँ, होश ले ले, रुक जा। अरे भोले कैसे पहलवान, कैसे बाहरी गेर रखा? अरे इस बात को छोड़, तू बता कैसे आया। तू चप्पल पहन ले, चल जल्दी। भाई भीतर नहीं जाऊं बिल्कुल भी, उस शेर नहीं उठ जाएगी, वो मुझे कच्चाई चबा देगी, उसकी तो शकर भी ऐसी है जैसे भुनी हुई शकर गंदी। अच्छा बहुत भुंडी लगे। अरे यार सूरज भानी छोरे का भैया माल सप्लाई करना। अरे आज बगैर पियो ही रह जाता। अरे यू ना पी रहा भैया, इसके यहाँ बारात आओगी, माल पहुँचाना है वहाँ। अच्छा और उस पुलिस का क्या होएगा जो गाँव के बाहर पड़ी है? पुलिस का भी देखेंगे कुछ, जब बात ऐसी गाँव के ऊपर आ रही है तो पुलिस को भी देखेंगे। तू जाके चप्पल पहन ले। भाई चप्पल रस्ते में पहन लेंगे, चल चल। तो पहलवान पुलिस इस रस्ते में मिल सके वैसे? हाँ। और हमें दिमाग का गेम खेल के और सूरज भान का सामान पुछवा करना ढंग से। बिल्कुल दिक्कत न मानिए, सामान तेरा पुछवा कर रहेंगे जब पुलिस आ जाए कितनी भी। आप हो तो दिक्कत कैसी पहलवान, थारे वाली ट्वेल्व वाला रास्ता ना। हाँ। वो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। मक्कुल कट गए। हाँ। और सीधे जाओगे वही भरे आओ इंगे को आओ तुम। अरे पाँच ठालो भाई, झेड झेड चलो आओ, काम को निपटाए कर दैर देनी सी, समझ रहे हो ना। पुलिस को पता लगे ना इतना तो माल पहुंच जाना चाहिए। इधर से ही आवेंगे भाई? हाँ जी इधर से ही आओगे।
पक्का यहीं से आवांगे? और क्या लिख के तो रोगा जी? थक गए दरोगा जी? ओए रुक पुलिस, सुन एक काम करेंगे, अब हम सीधे लिखेंगे और इनके पीछे को होते हुए इज्जत की बात है, सामान जरूर पहुंचाना। अरे इन पे पकड़े हम जाने कितने पुलिस वाले फिरे हैं, तू चल तो सही। हमें कोई पकड़ नहीं सकता जब तुम साथ हो। सर जी भूख लग रही, कुछ खिलवा दो। तेरी खातर ढब्बा खुलवा दूं यहाँ। अजी दरोगा जी भूख लग रही जी, कुछ अमरूदी खुआ दो। अरे मैंने क्या अमरूदों का बाग लगा रखा है यहाँ? काम करो अपना। दरोगा जी आप भी बहुत बड़े वो हो। क्या कह रहा? अजी मैं कह रहा आप बहुत बड़े अधिकारी हो। अरे यहीं तो आने वाले थे क्या मैं? अजी हाँ यहीं आने वाले थे, पता नहीं कहाँ। अरे कहाँ रह गए भाई, दफारी करने लग रहे हो, चलना ना है के? अरे कैसा आप हत्या रखे तन्ने? अरे माँ हत्या के मुझे और काम भी है, वे भी निमटाने हैं। भाई तू एक काम कर, अपना काम निमटा ले, मैं इसे मिला लूं। अरे तू कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू वहाँ खुद गाड़ी चला के जाओगा अच्छा थोड़ी लगेगा, मैं क्या ही चल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं मिला लाऊंगा। अरे मोहित तुझे पता मुझे गाड़ी चलाने में कितना मजा आवे, मैं चल रहा है ऐसी कोई दिक्कत ना है। हमने कहीं अपने मामा से मिलवा ले तो गया नहीं, इसे एकदम से लेके चल दिया, बहुत बढ़िया। अरे ले जा गैल। चलो बैठो। ठीक है ले से गेट दे भीतर। राम राम कह दिया अपने घर जाके। ठीक ठाक जाइयो राज्य को से। अरे वाह तो देख ही ना रही। अरे किसी रिश्तेदार की आई होगी, अपने घर चली गई होगी, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, चल अपने घर। बेटे तो तू उससे मिलन आया, जब तेरी सेटिंग दरोगन पे चल रही है तो उससे केले वे है तू। ससुराल में यहाँ काली करवा के पहले दिमाग खराब कर दिया तन्ने। पापा नमस्ते। आजा बेटा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो? चल अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। आ चल कोई बात नहीं आ। अगर तेरा दिल सच्चा है तो भगवान एक दिन जरूर सुनेगा तेरी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है बेटा, बैठो। नमस्कार जी। राम राम जी, घर में सब ठीक? हाँ जी सब बढ़िया। मोस्तर रिश्तेदार थारे भी सारे चले गए दिखे हैं, एक आध छोरी छारी को रख लेते काम धंधा करने को। बेटा आजकल कोई कहाँ रुका है, वैसे घर के बालक सभी यहीं हैं। जीजा जी कैसे हो? देख ले भी मजाक कर रही। बेटा हर बार मजाक सही नहीं होती। बोई बेटा। जी ताऊ जी। बेटा चाय लिया हो। पागल भी आया है। रिश्तेदार जितने जल्दी चले जाए ना उतना ही ठीक है। और बेटा आपकी वकालत कैसे चल रही है? बढ़िया जी बहुत बढ़िया। बेटा थारा काम कैसे चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा मोस्ता। और घर सब ठीक है? हाँ जी। जी आपकी ये वाली है। हाँ तो ये वाली ले लेंगे हम तो।
क्या हो रहा है, कैसे रो रहा है? पानी पानी पानी। अरे क्या हो गया? अरे तेरे क्या हो गया? अरे पानी दी जल्दी। अरे बेटा जल्दी पानी ला। अभी लाएं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पानी पानी। तू पागल है क्या? कोई ऐसा मजाक करता है किसी के साथ? ताऊ जी तो एक एक रोटी के साथ चार चार मिर्च खा जाते हैं और इसके एक मिर्च में ही झनझनाटे हो रहे हैं। खैरी बात छोड़ दो और बात करो। आप ठीक तो हैं भैया? इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मोहित मेरे छोटे भाई जैसा है। छोटा भाई जैसा क्या? मेरा छोटा भाई है और तू उसकी घरवाली। तू मेरी बेटी जैसी है। और एक बात और, हाँ, और अगर मुझे भैया कहवे तो आज की बात ही घूंघट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं काम से जा रहा हूँ, आप बैठो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब ठीक है तू? अरे मिर्च गिर रखी थी यार। मिर्च? तुझे पता है इसे मिर्च से एलर्जी है? और हाँ, दारू तभी एलर्जी है। सॉरी जी। वाह, छोरी कौन थी जो चाय देने आई थी? वो मेरे चाचा की बेटी है, वो भी दरोगा। क्या हुआ भैया? कमीनी ने पता नहीं क्या कर दिया, हर जगह अपनी दरोगागिरी दिखाती है। अभी बताती हूँ उसे। बॉबी, बॉबी। सुन ली भगवान ने? अबे इतनी डींग मारने की जरूरत थी? अरे यार मुझे क्या पता थी, मैंने तो पिताजी का नाम इसमारे ले दिया। अब पिताजी दरोगा तक पहुँचना पाने का, पर यह तो खुद पिताजी तक पहुँच गई यार। कैसे भी करवा के इस मामले को निपटवा दे। अच्छा, अब मैं इस मामले को निपटवा दूं? जो राय था तेने बखेरा है ना, उसे खुद समेट। जो मैडम मचे तबाही, दरोगण धाए धाए, आज तो शामत सब की आई, दरोगण धाए धाए। ओ चले जो मैडम मचे तबाही, दरोगण धाए धाए, आज तो शामत सब की आई, दरोगण धाए धाए। मैडम सख्त है नेचर, गाम यो बड़ा हठेटर। मैडम सख्त है नेचर, गाम यो बड़ा हठेटर। मैडम मन को न्यार जागी जानियो लेकर, मैडम मन को न्यार जागी जानियो लेकर। करो गण चीज न छोटी, बात है बड़ी बड़ी हाँ, करो गण चीज न छोटी, बात है बड़ी बड़ी हाँ। रछुट्टी कर दे सबकी यो तो खड़ी खड़ी हाँ, रछुट्टी कर दे सबकी यो तो खड़ी खड़ी हाँ। अरे भागल जिसको भगना हो जी, भागल जिसको भगना हो जी, आज तो शामत आई, दरोगण धाए धाए, दरोगण धाए धाए, दरोगण धाए धाए, दरोगण धाए धाए। के चल
चल हिला दे दुनिया तारी, वर्दी पहन के चल हिला दे दुनिया तारी, के छोरे लड़ लड़ मर जा कहे सब बन जा मारी, के छोरे लड़ लड़ मर जा कहे सब बन जा मारी, दरोगन खेल ना कोई हाथ न आनी ऐसे, दरोगन खेल न कोई हाथ न आनी ऐसे, कर्म चाहे जितने कर ले फेंक ले जितने पैसे, कर्म चाहे जितने कर ले फेंक ले जितने पैसे, अरे आंख उठा के देखो ना कोई, आंख उठा के देखो ना कोई, हो जा जबर जुदाई, दरोगन धाए धाए, दरोगन धाए धाए, दरोगन धाए धाए, दरोगन धाए धाए, अले आलियो टांग दालू तो तभी पीते ना यार, तो भोले भैया आज बहुत ठूस है या फिलहाल तो लंता लगती दिखते है। भाई दरोगन से मिलने जा रहा मैं। अरे बापू कमीज तो पहन जा। ना मैं पहनता नहीं। दरोगन आली दरोगन। बेटे दरोगन आली। अरे कपड़े तो बदल ले। दरोगन आली। बाबू दरोगन आली। अरे सुन लो दरोगन आली। बाबू दरोगन आली। अरे आज मिलेंगे दरोगन से। दरोगन। दरोगन आली। उठ गए बोले महाराज। बता की बात है। सरकार हमें पहले ही बताती तुम बड़े लेवल के आदमी हो, तुम्हारे लिए दारू लेकर आए हैं। अरे चल पर। बोले भाई की कई बड़ी भट्टी चल रही है, तुझे दूध पिया। अरे तम चलो मरो परेगू चलो। अरे चले जा परेगू चले चल। खोपरा खराब कर रखा। अरे सारी रात तक कहाँ था तू? अरे मैं तो लुभकता फिर हूँ यार। क्यों भाई? और के करूँ फिर ना, जब तो इतनी लंबी चोटी डींग मार दे कर। अरे बापू मौलवी दुवानी कह रहा था। अरे तो यार 20,000 में तम दोनों की रोटी का जुगाड़ होता है, इसमें बुराई की थी? रोटी तो 500 रुपए का आदमी रख के मिल सके, पर बात तो इज्जत की है ना। अरे भैया आ गए आप, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा आपको पता है कल मेरी बहन बॉबी आ रही है। अरे तू चिंता ना मानने, इसे मैंने सब बता दी। तू चाचा को थाम ले, वो सच्चो बना बैठा, इसकी चिंता ना करे तू, चाचा को थाम ले। मेरा बाप भी पता क्या करता फिर है। सुनो रे, सारे खाल में रह लिया करो, नहीं तो जेल में डलवाएगा, डंडे तुड़वा दूंगा और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, उठने बैठने को तरस जाओगे, फिर मुझे कोई मत कुछ कहियो। और सुनो, किसी का कोई काम हो ना मुझे बताओ, है किसी का काम बता। अरे यार एक काम है, केस कटवा दे, देसी का क्वार्टर ले लिए। देसी? अब चौधरी साहब देसी पियेंगे? बैठो हम बताएंगे कौन सी पियेंगे। जिसे जो काम कराना है, इंग्लिश की दारू लानी पड़ेगी और ब्रांडेड सामान चाहिए, कोई नकली सामान नहीं लाएगा, कभी कोई चाइना की बोतल लिया हुआ। सुन रहे हो? हाँ सुनोगे क्यों नहीं, जब हम कह रहे हैं। अरे की मज में लगा रखा यू। ओ भैया तुम्हें कुछ काम ना के, ओ भैया जाओ अपने घर जाओ। अरे कुछ ना, रुक जा, गांव में इज्जत बढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन से इज्जत नहीं मिली। पिताजी की करके मानना का नू बता। अच्छा हम गलत कर रहे हैं, तुम सही कर रहे हो। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है ना उसे भी गवा दे, इस आदमी में कुछ नहीं हो सकता। अरे सुनिए कहाँ जा रहा? अंडे लेने जा रहा हूँ, खावे हाँ फराई।
भाई तेरा ही कुछ पता ना चलता, कभी अंडे देने लगे कभी बालक देने लगे। तेरा आजकल दिमाग कहाँ चल रहा, कहाँ रह वे तू? ज्यादा वकील मत ना बने, काम कर अपना। सुनिए, वकील ना बनू तो और डाकिया बनू? अरे चल तू भाड़ में जा। अब मैं बाहर कहाँ ढूंढू यार, इसने भी दिमाग ही खराब कर दी। चलू मैं तो अपने घर चलू, मेरी गोलू मोलू सी मेरी बाट देख रही होगी मेरी कुट कुट। ओ दरोगा कहाँ जा रहा? धुआं साड़ के रहता, मैंने वर्दी पहन रखी है। दरोगा, अरे भाई नाराज क्यों हो रहा? जब मास्टर की घरवाली मास्टर नहीं हो सके तो दरोगन का घरवाला दरोगा क्यों नहीं हो सकता? इस दरोगन के चक्कर में ना तुम केस लगवा के बैठोगे। अरे जो बैठ रहे कदी सारा पे केस बेस करवा दे। शाबनम शाबनम शाबनम। अरे बोले मेरी एक बात सुनिए। अरे मत्ते बक दे के बक है तू? अरे मैं नू कह मेरा सुसा मेरी बहू ने ना भेज रहा, तू दरोगन से कह के मंगवा देता। अरे भैया अब ना है तो दिक्कत, अब तो भाभी पुलिता माली, अब तो छप्पे दी दिक्कत भी खत्म है। तू अपना काम कर ले, कदी बनाऊ अभी जज। बोले एक सवाल मेरे पेट का भी सुन ले, मेरी दारू राशन कार्ड में चढ़वा दे दरोगन को कह के। अरे तुम जाओ इतने खोपरा खा रखा, जाओ चलो खड़े होले चल चल। कौन सा आयो? चल हम नहीं जाया करते। अरे जाओ इतने खड़े हो, खड़े हो चलो, खड़े हो खड़े हो। चल चल भाई चल, बड़े फिर मिलेंगे। एक उसाड़ा सबनम कासिक खोपरा खा गिर रखा, मैं वैसी परेशान हूं। दरोगन 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 मरवा के छोड़ देंगे, दिख रहा मुझे ढब। ज्यादा जजमेंट न बने कर, एक युगाता फिर है भाभी पुलिस में, पुलिस में मरवा के छोड़ोगे दिख रहा ढंग तो। ठीक है भाई। अरे तू भी ले ले एक दो बैग। अरे भैया तमी कटक लो इसे, मेरे तो वैसी घबराहट सी हो रही है। रोब भी तो तू ही झाड़ रहा। जब भाई तू मुझे शहर ले चल, कल कुआ आवगी और पोल खुलेगी और सारा गांव मुझे मजे ले ले के मार देगा। अरे कोई ना ले रहा मुझे, पर मैं नू कहूँ आदमी को अपनी औकात देख के बात करनी चाहिए। तू चुप मर ले, बता रहा हूँ तुझे। अरे तू चिंता ना मान, हम अपना आप संभाल लेंगे। अरे यार मेरे तो अटैक सा होने को हो रहा है। अरे ओ तू कहाँ मर लिया? अरे जब यू ही कह रहा दौरा पड़ेगा। मैं नू कह रहा हूँ जो ही कुआरा मर गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चुपचाप बैठ जा, बता रहा हूँ तेरे से, अरे मर जाएगा मेरे हाथ से। अरे तू चिंता क्यों मान रहा, मैं यूं गया और अपनी साली को लेकर यूं आया। अरे कौन लावे इस बवासीर को यहाँ, इनने तो हम खा लिए। अरे यार देखे फिर छो मान रहा। अरे मैं यूं कह रहा हूँ 1000-2000 रुपए कम दे दिए। अरे चुप मर जा कम मखत, कदी तुझे अभी बनाऊ व्यापारी। ठीक है भाई थारी मर्जी, पर फिर नू मत कह दियो मैंने दोस्त का ध्यान रखा। भाई इस मामले को संभाल लो यार। अरे यार मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत मान, पता ना क्या होगा। अरे यू चाचा के तड़की तड़क सिंगार से भर लग रहा भाई। यार कोई राता फलावे ना फलावे, पर यू जरूर फलाओगा और यू हिस्से जाते भी तो ना। अरे हाँ जाओगा कैसे ना, हम भेज जाएंगे चल। खुशियों के दिन मनाए जा, दिल के गाने गाए जा, ये जवानी आए ना बार बार, जवानी को जिए तू जा, अभी तो मैं जवान। चाचा तड़की तड़क कहाँ की तैयारी खेच दी? तैयारी? अरे आज हमारी बहू आ रही है, हम टोन सजावेंगे सज के जावेंगे। तो तू बहू का मुंह देखेगा? शर्म कर ले शर्म। क्यों क्यों का के मतलब? बहू वर्दी में आ रही है, चुन्नी में ना आ रही और ना उस पे चुन्नी ओढ़ी जाती। तू तो फिरे जाना कुर्ते पे दुपट्टा लगाए। वैसे भी के मतलब बहू के आगे सुसरेगा, तू लोगों की क्लास लगा ले बाहर। बात तो तू भी सही कर जा कभी कभी। अच्छा फिर जाता क्यों ना है, जाके लगाना क्लास। तू सही कह रहा, मैं जा रहा हूँ पूरे गांव की क्लास लगाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ने का। एक है वाल को अभी तो बन गया काम। देख भाई चाचा तो गया टल। हाँ। अब बस माँ को थामना। अरे माँ को के यू तो सारे गांव की संभालना। We'll be right back.
मर गयो। अरे तू क्या ब्लैक कमांडो बन रहा, किसी दिन पैर के नीचे कुचला जाएगा। अरे कैसे गिर गए थे भाई साहब, ज्यादा कमजोरी सी लग रही तेरे में। अबे पुताई खानी के हल्के में ले लिया दी क्या बारूद को, पनीर बना दूं फटोए दूध को, समझ लिया ना। अच्छा जी। बे एक बार लल्ला मैं जा रिया रस्ते में, मेरे साथ एक मुजरिम खतरनाक, एनकाउंटर का प्लान कतई पूरा फिक्स। रास्ते में जाते जाते गाड़ी पलट गई, फिर गांव वालों ने उठा दी, साइकिल थी हम पे, मुजरिम चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, दो गोटे छुले मेरे। खैर छोड़ दो, आओ चलो। दूबी न था। यू कैसे फट गई? आ जाओ मैडम जी। और कैसी है? अरे मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। वैसे ये घर है मेरा, कोई चोरों का अड्डा ना जो तू ये वर्दी में आई है। अरे हाँ मैं। अरे ओहो, आज दरोगन जी हमारे घर पर। अरे वाजीजा जी, आपकी आवाज भी निकलती है। मैं कसम कब्रिस्तानों की हो रोगी मैडम, अभी नया नया ब्याह हुआ इसलिए निकल लिएगी, थोड़ा दिन रुको, अगर गूंगा ना हो जा तो मेरा ताऊ मेरा बाप नहीं। ऐसे ना देख पुताई खानी, मार डालेगी क्या? अरे दिल दे दे, दिल का चार डालेगी क्या? अरे इन्हें चाय पानी पिलवाओ जी। वो मम्मी जी बना रही है चाय आज अपने हाथों से। अरे वाराकी, तेरी सास बहुत ख्याल रखती है तेरा। तुझे अभी अच्छी लग रही है, जब सारे मामले का पता चलेगा ना, कलेजा मुंह को आ जाएगा। राखी वैसे तेरा देवर नहीं दिख रहा। वो देवर ना है, जेठ है मारे। हैं? फिर तो उसकी शादी भी हो गई होगी। मैडम जी कैसी बातें कर रही हो, किसी पुताई खानी का ब्याह हुए ना हुए तुम्हें क्या, मैं तुम पुलिस में हो, बिचौलन थोड़ी हो। ये सब मैडम जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चौन्नी का चूरन अठन्नी का बताशे, लाशे बिछा दूंगा लाशे। अरे उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, अगर अब तूने मुंह खोला तो इसी डंडे पे मिर्च लगा के इसी पे बैठा दूंगी। अरे अम्मी। अरे बबलू, अरे मुड्डा लाइए आए, बहू रानी खड़ी कर रखी है। अरे भाई हाथ दे तुमसे, बैठने को भी ना क्या ही? अरे मेरे बाबू आ बैठ चल। जी बैठो 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 बेटा। अभी कैसी फिल्म चल रही है यो? कौन हीरो कौन गद्दार, मेरे तो कुछ पल्ले पड़ना रहा बिल्कुल। ओए मेरे प्यारे, तू ज्यादा डायरेक्टर ना बने, चुपचाप फिल्म का मजा ले। और सुना घर पे सब ठीक है? जी आंटी जी। आंटी आंटी ना करे, मैं तो तेरी मम्मी हूँ मम्मी। जी मम्मी जी। ये हुई ना बात। मैं क्या ये जानू, मैं ऐसे कैसे किसी को भी मम्मी पापा कह दूंगी। ज्यादा ही होड़का मारिया आएगा तो मेरे मम्मी पापा को कह लो, वो भी तो बैठे आएंगे घर। देखो मैडम जी, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जिहाद हो जाएगा, आप समझ लियो। डेढ़ फुट गया, तू अपनी चोंच बंद में रख। हमारे घर के मामले में किसने कही तुझे टांग अड़ाने, किसने तू हवलदार बना दिया, जरूर रिश्वत देकर भर्ती हुआ होगा तू। अरे माँ दूध उबल गया। अरे दूध तो मैं धर के ना आई, उबल कहाँ से गया? भगोने में धरा धरा, गर्मी तो उबल गया, जल्दी चल। अरे सुन तो सही। अरे चल उबल गया चल। ये बालक भी, दो घड़ी बहुत से बात भी ना करन दे। पड़गी तेरे ठंड छुआरा सा। अरे भाई तुझे नहीं लग रहा बेइज्जती घनी होगी? मैं बुटाई घनी की इतनी तो मैं जेल ही जाऊं। हाँ। चल तुझे बीड़ी पिलाऊं। चल वैसे राखी तेरी सास मुझे बहू क्यों कह रही थी? वो ढेरती हैं, मतलब देखे कहीं और बात कहीं और करती हैं। अच्छा गानी नाम क्या है तेरा, नाम तो बता दे। अजी मेरा नाम है पहलवान। खुदा का खौफ खा, ये आदमी तो मरियल सा नाम धरे घूमे पहलवान, कैसी बातें करिया। अरे तू भी तो बुझी हुई तिल्ली है, नाम है तेरा भरवान, मैंने कही कुछ तुझे?
कच्ची शराब? मैं ना अभी ड्यूटी पे हूँ भैया। तू क्या समझ रहा है मैं ठाल ली हूँ? मैं भी ड्यूटी पे हूँ घरवाली की। ए भाई तू यूं बता, तेरा दरोगन से क्या चक्कर चल रहा? मैं बुदाई खाने क्या बताऊं, क्या कहना चल रहा? तू कुछ कह रहा भी? मैडम मुझसे इतना प्यार करे, पिछले 5 साल से इतना प्यार करे, पर डरे इस वजह से कहना पा। डर कैसा भी? एक बार मैं और मैडम जंगल में गुप अंधेरा कड़ाके की ठंडे से नीचे से ऊपर तक कांप रहे पहलवान, सामने देखा 3 से। मैडम डर गई, मैं भी हल्का हल्का सा डर गया था। आदमी डर जावे, शेर हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैडम और ज्यादा डरी, हम शेर को घूर रहे। अच्छा, शेर हमें घूर रहा। अच्छा, जैसे ही शेर दहाड़ा, अबे भुंडी शकल के, यू तो बिल्ली की आवाज है। मैं आवाज से कह ले बे, कहानी पे ध्यान दे। शेर जैसे ही दहाड़ा, मैडम और डर गई। मैडम डर के भजी और मुझसे चिपक गई, पेल वो ने से चिपक गई और शेर आगे बढ़ा। मैडम के हाथ मेरी कमर पे, मेरे हाथ मैडम की कमर पे, मखमल सा बदन, चंदन सा नमन। आय हाय कैसे खटी रातें, क्या बताऊं पहलवान। अरे मेरे ससुरे, तू मुझे स्टोरी सुना रहा या ठग दिखा रहा? हमें ना, मैं कह रहा फिर जो है, मैडम डरी डरी मेरे धोरे खड़ी थी, शेर एकदम गुस्से में घूर जाएगा, पहलवान शेर जैसे ही झपटा। अच्छा, मैंने कूद के टीवी बंद कर दिया। अरे भाई थम जा, मुझे तो सिर्फ यूँ बता दे कि तेरा और दरोगन का के चक्कर है। अगर तू सच्ची बात बताओगा तो दरोगन तेरी। वे सलमा के चौथे कसम, मैं दरोगन से बहुत प्यार करूंगा। मैं तेरा हवलदार, दरोगन तेरी। यहाँ कैसे समझ जाएगी मेरे प्यार को? घंटा नहीं समझती, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता पहलवान, इस लोने के चक्कर में लग रही। कैसा आयु? तू चिंता मत कर, दरोगन तो तेरी है। ऐसी बात है फिर? ऐसी बात है, सच्ची भाई सच। चल अब उल्टी लग गई दिखे, शुद्धि कर लेगा। चल चल वह पुताई खाने। अब ये साला भोला मेरी साली से शादी करेगा नहीं, इसकी सोल बैठानी पड़ेगी। अभी करता हूँ इसका इलाज। हो गया इलाज, गया। अब कर ले दरोगन से बिया। तो देखा ही नहीं, उसके कुट्टे में और देख ले। उसमें? अरे ये तो हरियाली दिख है। अरे तुझे सारे काम में ढूंढ लिया, यहाँ क्या कर रहा? भाई मैं तो यहाँ भूस में तू ही ढूंढने आया था। अरे वह तेरी राइफल वहाँ बैठी और तू यहाँ है, चल। ना 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 भाई, मुझे तो बहुत डर लगे, तभी चले जाओ। अरे भाई तुम चले जाओ यार, भैया मेरे तो मुँह तली कट गई यार। भैया तुम चले जाओ यार, चल छोड़ दो यार। अरे भैया मेरे मुँह तली कट गई, भैया मेरे से गलती होगी, भैया मैं नहीं जाएगा। भैया तुम दावत पानी ले लियो, भैया मुझे छोड़ दो यार। भैया मेरे मुँह तली कट गई यार, छोड़ दो भैया, मैं नहीं जा सकता हूँ यार, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, अरे तू घर चल। हे भगवान, अरे भैया मेरी जवान कट गई, मेरे मुँह तली कट गई, मुझे माफ कर दो भैया, कोई तो बचा लो मुझे यार। अरे चल भैया, मेरे तो मुंह तली कट गई यार, कोई तो बचा लो यार, भैया मुझे तो माफ कर दो बस भैया, यही तार दो यार। मैं डरू थोड़ी हूँ, जाके दिखा ले। हाँ थोड़ा सा डरू, और तो चल तो फिर चल चल खड़े, चल चल चलना, चल 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 यही खड़े हम, हाँ चल फिर चल चल भाई चल। तुम जाना रहे के? अरे तू अंदर चल। हेलो
चल अंदर। चल भाई चल। के कहूं मैं इससे? चल करना बात। अरे भोला जी। हाँ जी। हम आपके घर पे कितनी देर से बैठे हुए, आप पता नहीं कहाँ घूम रहे। जी वो मैं छिपा पड़ा था। जी 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 वो सूखा पड़ा था, खेत में पानी चलाने गया था। हाँ। हर तीसरे दिन तो बारिश हो रही, फिर भी आप लोगों के खेत सूखे हैं। अरे वो हमारा खेत गाँव के दक्षिण साइड में है और वो साइड थोड़ी श्रापित है, वहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। अजीब बात है। वैसे भोला जी आप कब तक खड़े रहेंगे, बैठिए। बे मैडम जी उठा के गोदी में धर लो इसे, न कोई डिसिप्लिन नाम की चीज हैगी के ना। मैडम जी कानून इतना रोमांटिक हो जाएगा ना, सरकार बंदूक की जगह गिटार देने लगेगी गिटार। मैडम जी ऐसे सबके सामने हाथ मत रखो, गलत समझेंगे सारे। अच्छा चलो फिर अंदर चलते हैं। है सच्ची? अभी आती हूँ 2 मिनट में। ठीक है 2 मिनट। चलो अच्छी सही। मैडम क्या बोल रहा था बाहर? क्यों बोल रहा तू? क्या हो गया? अब बोल। मर गया। अरे भैया अब बताओ खाने को क्या? मरेगा अभी तो। अरे भैया, अरे मैडम, अरे भैया, अरे मैडम क्या खता हो गई मेरे सर, छोड़ दे रे। अगर तेरा बाप विकलांग नहीं होता ना तो सिपाही तो छोड़ तुझे कोई चपड़ासी भी नहीं लगाता। मैडम मेरे बाप की गलती है। सॉरी हट, ये बाल और दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों कर रखी है? कल कटवा के आई हो इनको? अरे मैडम मेरी गलती, मेरा बाप गधे से टकरा गया तो मैंने 50 का नोट ले लाई। तुम्हें दाढ़ी आती तो पता चलता कैसे कटे दाढ़ी। अच्छा अरे मैडम मैं तो रू कह रहा था बाहर कौन सा लग सा चल रहा, तुमने तो मेरी बजा दी। अरे भैया चल बाल ठीक कर अपने, चल बाहर। आप चलो आगे मैं आ रही हूँ। हाँ जी क्या बात, सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अच्छा चल खाना खा ले, मेरी सास ने तेरे लिए स्पेशल बनाया है अपने हाथों से। अरे नहीं आज नहीं, आज तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बात? कैसी बात? हाँ भाई सारे कान खोल के सुन लो, दोबारा नहीं पूछूंगी मैं। इस गांव में अवैध शराब का धंधा कौन कौन करता है? ये तो आपको किसी ने गलत बताया जी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ ना है जी, कोई शराब नहीं पाएगी। देख राखी इस केस को लेकर मेरे ऊपर एसपी का बहुत दबाव है और उस एसपी के ऊपर किसी सरपंच का दबाव है और वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। तो तू तो मेरी बहन है, तूने अगर कहीं से कुछ सुना हो तो तू बता दे। अरे मुझे आए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, मैं कैसे बता दूंगी। जीजा जी आपने कुछ सुना हो तो आप ही बता दो। नहीं मैं इस गाँव में कहाँ आता हूँ, कभी कभी आता हूँ और इन चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं। भोला जी आप तो इसी गाँव में रहते हो और इस गाँव के सबसे शरीफ इंसान हो तो आपको तो पता ही होगा। जी वो मैं, मेरा क्या मतलब इन बातों का, तुम्हें तो पता ही है मुझे शराब और मिर्च से कितनी एलर्जी है। अच्छा तो आप उस दिन के लिए मुझे ताना मार रहे हो, वैसे मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देख कोई पुताई खानी का मुझे बताएगा या चल क्या रहा है? मैं हमारी तो मैडम का रोमांस निकल जा, थोड़ी सी बात करते कोई भी बात शुरू कर दो। मैडम जी थोड़ी सी शर्म कर लो, सरकार से तनख्वाह ले रही होगी, ऐसे घड़ी घड़ी रोमांस करोगी क्या? आगे से ऐसा दिखा मैडम जी, एसपी साहब से करूंगा कंप्लेंट में। अरे मैडम जी गलत समझ गई, मैं तो नू कह रहा था थोड़ी सख्ती करो, सहरा बक देंगे यही बक देंगे। अच्छा तो खुद ही पूछ ले फिर। बेटे कसम सोगी इनकी अम्मा की, बारूद के सामने चले। अभी देखो मैडम तुम जानती नहीं हो बारूद को, जब बारूद की बंदूक उठती है ना तो आदमी वो भी कबूल ले जो करे नहीं जुर्म, समझ गई? हट रे। देखो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, एक बात पूछूंगा, समझ लियो मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक नहीं हूँगा, वैसे भी बहुत खतरनाक हूँ। नहीं नहीं डरो मत, मैं किसी को वैसे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सीधे सीधे बता दो भैये। तो मैं बात बता रहा हूँ, मैं एक फेरी जंगल में था,
मैं कड़ाके की ठंड। अबे फेंकना बंद कर। हाँ तो मैं कह रहा था सारे बता दो आराम से। शराब का धंधा गांव में कौन कौन कर रहा है तब दूंगा ही नाम, ना तो थाने में ले जाके। अम्मा कसम, इदरीस की अम्मा कसम, ये सा ठोकूंगा राम प्यारी सोच जाएगी। यू पता ना कत्ता यार, मैं क्या बक रहा है मुँह खोल के बोल ले। अरे भैया तने तो कही, चुपचाप बात कर लो। ये बे मेरा मतलब है बोल के बता बोल के। भाई साहब एक बात बताओ, जब इन्होंने कह दी नहीं पता तो नहीं पता, क्यों खा मंगा के जोर जबरदस्ती दिखा रहा है? हमारे गांव वाले हैं बावले, मार मार कर रैपटे तेरे मुँह का मरघाट सा बिगाड़ देंगे, और तेरा तो चार ही जगह दो में ही काम हो जाएगा। बे हल्के में ले रहा बारूद को, गधा बना दूं ऊंट को। ओए भोला जी से जरा तमीज से बात कर, नहीं तो तीली लगा के उड़ा दूंगी। मैं ठीक से दवा हाथों में जानना है के पुलिस को बुलाएगा, थाने में डलवाएगा, डंडे तुड़वा दूंगा। प्रताऊ तू यहाँ पड़ा, घर में बहू बैठी है। अरे चल यही तो टाइम है तेवर दिखाने का। तू ठीक कह रहा यार। हाँ। मगर देख वो है वर्दी में। हाँ। उस पर दुपट्टा होने का नहीं, उल्ला कैसे करेगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा। अरे वही तो वर्दी में होगी, वही तो पल्ला न काट सके, पर तू तो जा सके आंख बंद करके। अरे पैर छुआ के आशीर्वाद दे। अरे एक ही तो लौंडा तेरे। सही कह रहा, यू बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, नशा हल्का हो गया देखा। चलो रे छोड़ो, यही मिलियो सारे, और तू मेरी आंखों में पट्टी बांध दे। हाँ। आंख खुल भी सके। हाँ। पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। हाँ हाँ। बस अब चल। अरे इतना सन्नाटा कैसे कर रखा, अब पकड़ेगा कौन मुझे? अबे कहाँ गया पहलवान? यूरा ले, तू भी नशे में। कुताई खानी का ऐसा लग रिया मैडम का टांका यहाँ भिड़ जागा, मेरा तो सब ऐसी रह जाता दिखे। समझ नहीं आ रहा बेस्ती पे बेस्ती हो जावे, कैसे करूं मैं। ये किसका मैसेज है? मैं अगर तुम्हें शराबी का पता करना है, तस्कर का पता करना है, तो छत पे जाओ, सीटी वाले बंदे को पकड़ो, और पट्टी गांव के अंदर है। अरे तेरे की बुदाई खानी का शेर गांव में ढिंढोरा और करवट में छोरा, मैडम जी पकड़ लिया। हाँ तो बोबी जी आपकी ये पहली पोस्टिंग है? जी नहीं, तीसरी है, पर यहाँ से ज्यादा चने पहले कहीं नहीं चबाने पड़े, यहाँ कोई सबूत ही नहीं मिलता। नौकरी ही ऐसी है, चने तो चापने पड़ेंगे ही। अच्छा बोबी ये बता तू शादी कब कर रही है, मैं देखूँ कोई छोरा? छोरा छोरा तो मैंने देख रखा है, और शादी भी जल्दी कर लूंगी। कहाँ है मेरी बहू? रहेंगे ना तो इंगे हेंगे। बहू? ए बहू। जी चाचा जी। राखी बेटा तू नहीं बड़ी वाली? अरे बापू तू बहू को छोड़, नू पता तू अंधा बना कैसे घूम रहा है? बहू वर्दी में है ना, तो वर्दी पर चुन्नी ओढ़ नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चुन्नी ओढ़ी हूँ, वैसे भी तो आँखों की शर्म होती है। जी मैं कुछ समझी नहीं। बोबी जी इसमें समझना क्या है, चाचा सुबह उठते दो पैक लगा ले, फिर पता नहीं क्या क्या बके। तू हमें कती पागल साबित करने पर लग रहा है क्या? हमने आज सुबह से एक बूंद भी शराब न पी, और आज से क्या हमने तो कल से ही छोड़ दी। गांव वालों मैं कह रहा था ना, वो भी दरोगन मेरे घर की बहू बनेगी, तो बन गई बहू, समझ लो ये बैठी है। और वो मुखिया का मुझे पागल खाने ले जाकर भर्ती कराने की बात कर रहा था। बहू बहू ए बहू बोल क्यों ना रही बहू? ए बहू हम तो दुखी हैं इससे। देख राखी साफ साफ बता दे क्या चल रहा है, इतना दिमाग तो केस में नहीं लगाना पड़ता जितना तुम लोगों की बातें समझने में लगाना पड़ रहा है।
अच्छा तो ये बात है। देख बॉबी, तू ना भोला भैया को माफ कर देना, वो बहुत शरीफ है, बस शादी से बचने के लिए तेरा नाम ले दिया। वैसे राखी, तेरी जेठानी बनने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, और दोनों बहनें एक ही घर में हो जाएंगी तो अच्छा है ना? है सच में? ये तो बहुत नेक इरादा है। वैसे भोला भैया भी तुझे प्यार करते हैं मन ही मन, लेकिन बहुत शरीफ है ना, इसलिए कुछ कह नहीं पाते। वैसे कानून की आंखें इतनी भी अंधी नहीं कि किसी की आंखें न पड़ पाए। चल अच्छा तो भोला जी ये बात थी के कौन सी बात जी? जीजा जी आप वकील हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की बात का जवाब आप ही दो, इन्हें भी कुछ बोलने दीजिए। हाँ तो भोला जी, राखी ने जो बताया वो सच है? हाँ जी, नहीं वो मेरा मतलब मैंने झूठ बोल दिया। झूठ कहाँ, आपने तो सच्ची बोला था। हाँ सच्ची? हाँ जी। अरे हमें भी बता दो कोई कुछ के बात है। ले पुताई खानी के। दीवान जी बहुत हरामी पना दिखा रिया। दीवान जी छोड़ दो सीटी। बजा सीटी। बजा सीटी। मैं बता कहाँ है शराब की भट्टी। छोड़ दो उधर है दीवान जी। कान में बता। बोला ने अपने पाक से सीधा अपने घेर में भट्टी शिफ्ट कर दी। बे छोड़ दी, मैं लेके चले। छोड़ो कहीं काम नहीं खाने पुताई खानी के, समझ गया? चल चल जल्दी चल। एक बोतल और ले आओ। अच्छी दारू निकाले चलो। है नहीं दारू, खड़ा हो। मैं तू भी चल फिंटम। अरे यार कहाँ ले जाओ, खैर कानूनी काम करो। चल बे तू भी खड़ा हो। चलो सालो थाल पिछवाड़ा तोड़ू आज। चल धक्का क्यों दे रहा मार दूंगा। ओ डाकिए चल चल लाके चल। अरे जान लग रहा है मैं कुछ कहत बता। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे की बहू वो भी दरोगन बनेगी। पापा जी आप अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हो, क्योंकि मुझे तो रोज ही वर्दी पहननी है, और बाप और बेटे के बीच में पर्दा होना भी नहीं चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये पता होता मेरे बेटे के इतने अच्छे भाग हैं, तो मैं उस पर शादी का दबाव कभी ना बनाता। मुझे लगता है कि तेरे आने से मेरे घर की रौनक और बढ़ जाएगी। जी पापा जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। अरे खाना तो खा ले, पहली बार तो तू आई है। खाना बाद में। ले बेटी खाना खा, बहुत प्यार से बनाया मैंने तेरे, कढ़ी पकौड़ी बनाई है, खा। ताई जी खाना तो मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी, पर अभी मुझे एसपी साहब से मिलना जरूरी है। बोबी जी एक कंफ्यूजन था। क्या? मैं आपको भाभी कहूँ या साली कहूँ? साली के हो रहा है, भाभी कहिए भाभी। ओ बेटे कितने तेवर, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, जब मर्जी भाभी कहूँगा जब मर्जी साली कहूँगा। अच्छा राम राम जी, मैं चलती हूँ। राम राम कर्नल साहब। अमा ये लो मैडम जी, सारे सबूत लेकर आया हूँ मैं। अपने ई स्मार्ट डिवाइस से पता लगा लिया मैंने, सारा गेम खेल दिया। मैं बैठो नीचे को। अरे खबर तारा का के? ये तो है मैडम शराबी, ये वाला तोतला, ये है इनका मैनेजर। और मालिक का नाम सुनोगी ना मैडम हिल जाओगी। वाह बहुत अच्छा पागल बनाया आप लोगों ने मिलके। बोबी जी जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जीजा जी अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली, अब आप अपनी ये वकालत कोर्ट में दिखाना। अब आया मजा, मैं करूँगा इसका ब्याह दरोगन से। बड़ा हीरो बना फिरा, न्यू सोच रहा है तो कागज का पहलवान है। अरे हम वैसे भी पहलवान है और दिमाग से भी पहलवान है। यस बोबी बेटे जैसा तुम समझ रहे हो सब कुछ। अगर अब कोई बीच में फालतू बोला तो सभी को अंदर कर दूंगी। ओए हेलो पिताजी है मेरे,
वर्दी का रोप कहीं और दिखाना, समझ गए? मैं शराबी तस्कर, मेरे में मेरी। ओ मेरा मतलब है हमारी। समझ नहीं आना, थोड़ी तमीज से बात करिए। ओ चिमटा से चुपका खड़ा रही, नहीं पाँव पकड़ के भी मारूंगी तुझे, देख बोले जा रहा। चबड़ चबड़ मैडम देख रही हो, आपके सामने आपके सबसे पसंदीदा फेवरेट फेवरेट समझ रही हो, बारूद को क्या क्या सुनने को मिल गया। मैं यहाँ क्या, मेरी मैडम हमारी मैडम तमाशा कर रही है जो देख रहे हो यहाँ खड़े होके। चलो चलो घर चल के दूध पियो, चाय पियो, चलो डालो सबको गाड़ी में। बाबू मेरी बात तो चुप। इन लोगों का तो समझ आता है, ये तो गैर हैं, पर तू तो मेरी बहन है ना, तुझे तो इनके साथ मिलकर मेरा बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। पर वर्क कुछ नहीं, तू तो गिरगिट निकली। अभी चार दिन हुए तुझे यहाँ पे आए हुए, चार दिन में तूने जुर्म का रास्ता अपना लिया। और भोला जी आप, इस मासूम चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा है, अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इतने सपने ही ना देखती। शराब के माफिया जो ये कहते हैं कि मुझे शराब से एलर्जी है, वाह अच्छा बेवकूफ बनाया आपने। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर कचरे में रहकर तेरा दिमाग कचरा हो रहा है। चुप, एकदम चुप। कचरा नहीं है ये, परिवार है ये मेरा, और जिसपे तू इल्जाम लगा रही है ना, जानती भी है कौन है? जानती हूँ, मुजरिम है वो, एक शराबी तस्कर। मुजरिम नहीं है वो, देवता है देवता। वो तो पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन इन गाँव वालों ने इन्हें मुजरिम बना दिया। मतलब? मतलब मैं बताऊंगा, जब भोला अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव वापस लौटा था ना, उस वक्त ये गाँव शराब में डूबा हुआ था। हर आदमी कच्ची दारू पी रहा था, जहरीली दारू पी रहा था। भोला ने गांव वालों को बचाने के लिए ये भट्टी लगाई है। इस दारू की वजह से मेरे पापा, भोला का छोटा भाई, यहाँ तक कि भोला की माँ इस दारू की वजह से मर गई। और आप कहते हो वो तस्कर है, शराबी तस्कर बता रहे आप उसको? मैं शराब पी के इसकी माँ को मारता पीटता था, उसने मुझसे तंग आकर आत्महत्या कर ली। और आज भोला के पास ले देकर उसके पिताजी है बस, इन गांव वालों की खुशी के लिए। और भोला ने अपनी माँ की जलती हुई चिता पर कसम खाई थी, इन गांव वालों को मरने नहीं देगा। जिस सरपंच की तुम बात कर रहे हो ना, उसी सरपंच की लड़की से भोला की शादी तय हुई थी, वो भी टूट गई। पता है क्यों टूटी? शराब ना बेचने के कारण वो रिश्ता कैंसिल हुआ। तुम्हें पता है भोला ने अपने कितने सपने कितने अरमान इस गाँव के लिए दफन कर दिए। बात करते हैं, शराबी तस्कर बता रही है इसे, चला रही है जुबान, ये तो शराबी तस्कर है। फिर भी गलत तो गलत है ना, गलत काम करने के जुर्म में और अपराधियों को बचाने के जुर्म में मुझे आप सबको हिरासत में लेना पड़ेगा। बोबी जी, मैंने इस काम से कभी कोई पैसा नहीं कमाया है, मैंने कमाया है तो अपने गांव के लोगों का प्यार, साथ और अपनापन। और मेरी गलती की सजा मैं इन गांव वालों को नहीं मिलने दूंगा। पहलवान तू तो मेरा भाई था, लेकिन जब तू पिताजी को लेकर आया था ना, तो मैं जब ही समझ गया था तू कोई ना कोई रायता फैलाने वाला है। मैं तेरी तरह बचकर निकल सकता था, मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी का ध्यान रखना। ले चलो मुझे, जो सजा देनी है दो, ले चलो मुझे, चढ़ा दो फांसी पर, ले चलो इनको। एक मिनट बॉबी, एक बार फिर से सोच लेना, कहीं तेरी एक गलती की वजह से पूरा गांव बर्बाद ना हो जाए। बॉबी बेटा, तू मेरे इस बच्चे की जान बख्श दे, इनने जो भी कराना इन गांव वालों के लिए करा, और ये बिगड़ माँ का बच्चा, मैंने जो ना इसको जैसे एक माँ पालती ना बेटे को, ऐसे मैंने पाला इसको, और अपने सगे बेटे से ज्यादा इसको ही प्यार करा। ले चलो सबको। क्या तेरा दिल इतना पत्थर का हो गया है? तू तो मेरी जेठानी बनना चाहती थी ना? देख राखी, तेरी जेठानी तो मैं अब भी बनना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ फर्ज के आगे। पर हाँ एक तरीका है। क्या? अगर भोला जी ये काम छोड़ दे तो मैं इनसे शादी कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, ये शादी हो या ना हो, पर मैं अपने गांव वालों को जहरीली शराब नहीं पीने दूंगा। देख दरोगा, मैं तो जिंदा हूँ ना, भोले की वजह से हूँ, और मेरी तो तू मन नहीं की। जो भोला में हर्बल दारू ना देता तो ये सारा गांव इवलो जमना पे जा लेता, मैं तजे बिल्कुल नहीं मिलू था, और मैंने को इसे छोड़ दो बेचारे को। दरोगा जी, और तू दारू कहे हमने ये अभी छोड़ दी, जनावर लेंगे हम इसकी, भोले तू हटा के तो हम जाएंगे। द्रोगन जी अंडरस्टैंड, भोला ने इस गांव के बहुत कुछ किया, अब हम भोला के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब इस गांव में कोई भी दारू नहीं पियाना। मेरे भोलेनाथ, आज से गलत काम बंद और नौकरी की तलाश शुरू। आप तो दरोगा है ही, और मैं अपने आप दरोगा। मैडम जी क्या चल लिया है? ध्यान रखना, एसपी साहब से कंप्लेंट कर दूंगा, मेरा दिल मत तोड़ो। अच्छा बोबी बेटा,
अगर आपका एक सिपाही कम हो जाए तो कोई परेशानी तो ना होने की? वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, बस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। चलो रे ठाओ इसे, फेंक काओ पार्क में। आजा आजा तेरी छोड़ दो मैं बैठूंगा। अरे मैडम जी, अरे मैडम तो मेरी बहन जैसी है, छोड़ दो। अरे बहन के ठिकानों छोड़ दो। अरे कैसे कर रहे हो? अरे मैया, अबे पहलवान मैया छोड़वा दे बे। यहीं बैठ जा आराम से, अब सोल बैठाऊंगी तेरी। अबे बताई खाने पहलवान बचा ले तुझे, एक शर्त पर छोड़ दो। मंजूर है मुझे। भाई मेरी एक साड़ी है, उसका ब्याह तय हो गया था भोला से और 60,000 रुपए में तय हो गया था। अब इसकी तो सेटिंग होगी तेरो कौन से। अब 60,000 का ब्याज लगा ले, 1,00,000 रुपया होगा, तू दे दे। मैं भैया तू मॉल भी बुला ले, मैं यही निका पढ़ लूंगा। जहाँ कहेगा तू मैं वहाँ पढ़ लूंगा। मैं पैसे दे दूंगा पर किस्तों में दूंगा। मैडम ने लेन नहीं दी रिश्वत, हाथ थोड़ा खींच में चल लिया। अच्छा ठीक है, तू बालक होने पे दे दिए। अबे ठीक कह रहे आप पहलवान, बालक भी होंगे मेरे। ठीक और सुना मोहित, क्या हाल है तेरे? भाई बढ़िया पहलवान, मेरे तो ठीक है, तू सुना तेरे कैसे? यार मैं यूं कह रहा हूँ, जो लाल सूट में आई थी लोंडी शादी में, अरे मेरी बिहारन का बदला हो सके उससे? नाक में दम कर रखा उसने यार मेरी। अरे तेरी की दारू। हाँ। मरवावेगा, बबाल कट जाएगा, दारू बंद है 5 महीने तक। अच्छा यह बोतल मैंने लपो के दर रखी थी, तुझे पता आज भोला की सुहागरात है। जब मेरी थी ना उसने मुझे 2 पैक लगवाए। अच्छा। मेरा भी तो फर्ज बना है, मैं उसके 2 पैक लगवाऊं। यार एक बात समझ में नहीं आई, यू सुहागरात है तो कुछ ना कुछ, पर मुझे तो ऐसा लगे यू बिहारन बिहार में ही मनवाया ही दिखे। आज पूछवा जरूर से ससुर। एक काम करिए, तू उससे पूछ लिए, देख भोला की देख कैसी हालत हो रही है, रुस्सा पड़ा, मैं उसे देखूं फिर उसे भीतर भेज। घाल घाल तू घाल, पी के जाओगा तू भी। एक पैक, सिर में दर्द सा हो रहा। ले नमकीन आज, चल जा अपने घर, तुझे नमकीन दूंगा, दारू बंद है। जा जा जा। भोला तू बाहर कैसे बैठा, अंदर नहीं गया? तेरी स्वागरात है आज। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा, छेड़छाड़ का केस लगा दिया तो। अरे यार तुझे डर क्यों लग रहा है, वह तेरे पे छेड़छाड़ का केस क्यों लगाओगी, तेरी घर वाली है वह। है तो पुलिस वाली। अरे भाई वह पुलिस वाली है तो हम भी वकील हैं, हम तुझे अपना आप छुटा लेंगे अगर कुछ हो गया तो। पर हाँ अगर तू अंदर नहीं गया स्वागरात पे तो वह 100% केस करेगी। अच्छा मैं जाऊं? जा भाई। पक्का जाऊं? हाँ हाँ पक्का जा। सोच ले चला जाऊं? अरे सोच लिया भाई, चला जा सोच ले एक बार और। अरे चला जा, नहीं तो के भाभी को बाहर ही बुलाऊं के? ना 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 उसे बाहर मत बुलाइए, तारीफ सबके सामने होनी चाहिए, और बेइज्जती अकेले में। मेरे शेर जा जा। जाऊं? अरे चला जा। तुझे याद तो है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, दरवाजा नहीं खोलना। समझदार हो गया? चले जो मैडम मचे तबाही, दरोगण धाए धाए आज तो शामत सबकी आई, दरोगण धाए धाए। मैडम मचे तबाही, दरोगण धाए धाए आज तो शामत सबकी आई, दरोगण धाए धाए। Thank you.
रे मैडम सखत है नेचर गाम यो बड़ा हटेटर रे मैडम सखत है नेचर गाम यो बड़ा हटेटर रे मैडम मन को न्यार जागी जानियो लेकर रे मैडम मन को न्यार जागी जानियो लेकर करो गण चीज न छोटी बात है बड़ी बड़ी हाँ करो गण चीज न छोटी बात है बड़ी बड़ी हाँ रे छुट्टी कर दे सबकी यो तो खड़ी खड़ी हाँ रे छुट्टी कर दे सबकी यो तो खड़ी खड़ी हाँ अरे भागल जिसको भगना हो जी भागल जिसको भगना हो जी आज तो शामत आई दरो गण थाए थाए दरो